लोग बोलते थे कि यार फ्राइडे और ट्यूसडे कुछ नहीं चलता, तो मैं बड़ा क्यूरियस हूँ जानने के लिए कि आप फ्राइडे ट्यूसडे ऐसा क्या करें, और क्या एक रिक्वेस्ट है, क्या आप फ्राइडे या ट्यूसडे में से कोई एक डे पकड़ के कोई एक स्ट्रेटजी उस दिन की दिखा सकते हो हमारे ऑडियंस के लिए? अब आप सोचेंगे कि भाई आपके पास तो एल्गोरिथम, व्हाई यू आर डूइंग मैन्युअली, तो इसके लिए भी एक वो है कि कभी कभी अगर आपका एल्गो फेल हो गया तो फिर आपके जो स्टाफ हैं या आप हैं वो हैबिचुअली नहीं रहते कि किस तरह से उसको मैनेज करना है। एक न्यू तरह की जर्नी वो लोग सुनेंगे जहाँ पे पूरी फैमिली एक एज अ ट्रेडिंग फैमिली। वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ द पॉडकास्ट सीरीज जो हम आप लोगों के लिए इतने टाइम से करते आ रहे हैं और आप उसको इतना सारा प्यार भी देते आ रहे हैं। ऐसे ही हम आ रहा आज का पॉडकास्ट है जिसमें हमने उनको इनवाइट किया जो हमें हमारे पुराने गेस्ट ने बोला था कि यार एक बार इनसे आप बात करके देखो। इनका नाम है हैप्पी होम। हैप्पी होम के बारे में हम जानेंगे बाद में कि हैप्पी होम क्या है, कैसा है, नाम ऐसा क्यों पड़ा, पर हैप्पी होम के बारे में हमें हमारे बहुत सारी ऑडियंस ने भी कई बार बोला था कि एक बार आप इनसे कनेक्ट करो क्योंकि इनका ट्रेडिंग स्टाइल, इनका आरओआई और इनकी बाकी चीजें काफी अच्छी हैं, तो शायद ये हमारी पॉट का हमारी ट्रेडिंग जर्नी में ये हमें हेल्प कर सकता है। और हमारा काम देखो यही है बेसिकली कि हमें जो लोग सजेस्ट करते हैं कि आप इनसे कनेक्ट करो, हम उनसे कनेक्ट करते हैं, हम उनसे बात करते हैं, हमें लगता है कि यार वो कुछ वैल्यू ऐड कर सकते हैं तो हम इन पॉडकास्ट में इनवाइट कर लेते हैं। बट इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि हम कभी कभार कुछ नाम मिस कर जाते हैं, तो इसके लिए हमने एक इनिशिएटिव ये उठाया है कि अगर कोई हमारे पॉडकास्ट में आना चाहता है तो वो रादर देन हमें टैग करने के ट्विटर पे या बाकी जगह पे, वो हमें ईमेल कर सकता है contact@stockmock.in पे। हम यहाँ पे उनका अपना ईमेल एड्रेस डाल देंगे, उनको बस अपना एक टाइटल रखना है पॉडकास्ट इनवाइट और अपना फोन नंबर वगैरह शेयर करना और अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन शेयर करनी, सो दैट हमारी टीम उनसे कॉन्टैक्ट करेगी और देन वी विल सी कि वो पॉडकास्ट में कैसे आ सकते हैं। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं जिनका नाम है हैप्पी होम, इनसे जब मैंने कनेक्ट किया तो मुझे पता लगा कि ये, इनका नाम है गौतम, ये अपना फुल टाइम सर्विस करते हैं एंड ये अकेले ट्रेडर नहीं है, इनकी फैमिली पूरी ट्रेड करती है। 3 मेंबर्स इनके घर में, ये खुद, इनकी वाइफ निशा एंड इनके फादर इन लॉ ट्रेड करते हैं और ये फैमिली ट्रेडिंग करते हैं एंड दे आर मैनेजिंग समवेयर अराउंड 10 करोड़ का कैपिटल। तो मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि यार जो फैमिली ट्रेडिंग होती है तो घर पे ये कॉमन चर्चा किस बात की होती होगी कि कैसे कैसे हम ट्रेड को इम्प्रूव करें, क्योंकि जनरली ट्रेडिंग के उसमें क्या होता है कि एक किसी और करियर से होता है, किसी और करियर से, तो कॉमनैलिटीज ज्यादा मिल नहीं पाती। तो मैं बड़ा इंटरेस्टेड था इनसे बात करने के लिए। तो मुझे पता लगा कि जो गौतम जी हैं, गौतम का ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज अलग है, उनका योनर अलग है, वो स्ट्रैटेजी को ढूंढते हैं और फाइंड बहुत अच्छी करते हैं और वो हमारे साथ आज बहुत अच्छी स्ट्रैटेजीज भी शेयर करने वाले हैं। और जो निशा है उनका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग है, उनके जो फादर इन लॉ है उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत अलग है। तो हमने सोचा कि चलो उनको इन्वाइट करते हैं एंड फॉर्चुनेटली निशा एंड गौतम वो दोनों हमारे साथ आज पॉडकास्ट में मौजूद है और हम एक एक करके उनसे बात करेंगे और समझेंगे, उनसे सब निचोड़ लेंगे कि यार इतने सालों से मार्केट पे हो, हमें समझाओ, हमारे में वैल्यू ऐड करो जो आप कर सकते हो। सो लेट मी वेलकम फर्स्ट ऑफ ऑल निशा, हम पहले निशा से बात करेंगे एंड देन वी विल इनवाइट गौतम एज वेल ऑन द स्टेज। हेलो मिस्टर नितेश जी, हाउ आर यू? आई एम ऑल गुड, आप बताइए आप कैसे हैं? हम बिल्कुल बढ़िया हैं, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस ऑन सच अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म व्हिच यू हैव इनवाइटेड। और एक ऐसी जर्नी हम लोग शेयर करने वाले हैं जहाँ पे लोगों को, जो हमारे गेस्ट हैं उन लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। एक न्यू तरह की जर्नी वो लोग सुनेंगे जहाँ पे पूरी फैमिली एक एज अ ट्रेडिंग फैमिली बन चुकी है धीरे धीरे करके। तो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी फ्रॉम वेयर आई विल स्टार्ट। बट इससे पहले मुझे ना आपका घर बहुत पसंद आया है, इतना बड़ा घर है, इतना बढ़िया शानदार सा घर लग रहा है आपका, तो यू हैव अ वेरी ब्यूटीफुल हाउस। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। एंड ऑल्सो यू आर लुकिंग मोर प्रोफेशनल देन आई एम। मैं तो ऐसे ही हमेशा ना ऐसे ही अनप्रोफेशनल बन के बैठ जाता हूँ और लोगों से बातें करना शुरू कर देता हूँ। सर अपना काम ही है ना ये स्टॉक मार्केट का जो काम है ना वो फाइनेंस से जुड़ा हुआ है, एंड फाइनेंस तो थोड़ा कोट वगैरह पहनते हैं ना तो ज्यादा अच्छा लगता है कि हाँ भाई फाइनेंस वाला काम है। ये तो बड़ी शर्म की बात होगी मेरे लिए, मैंने तो कोट पहन के कभी कुछ करा नहीं, ना किसी से मीटिंग करी ना कुछ, बट ओके नंदलेस आई एम हियर फॉर ऑल द नॉलेज जो आप देने वाले हो। बट उससे पहले मुझे थोड़ी सी एक बार जर्नी, या तो आप, मैंने आपको देखो स्क्रीन शेयरिंग के राइट दिए हुए हैं, आप या तो स्क्रीन शेयर करके अपनी जर्नी वगैरह बताना चाहते हो या ऐसे ही, आपकी इच्छा है? अभी तो ऐसे ही बताती हूँ मैं। जैसे
हमारा मेरा जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन अलग अलग सिटीज अलग अलग स्टेट से हुआ है, एज माई फादर वॉज आर्मी ऑफिसर. तो ऐसे करते करते एंड आई हैव डन माई MSc मास्टर इन साइंस इन IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मैंने किया है. तो फिर एक होता है ना कि यू वॉन्ट टू बी एन एक आइडेंटिटी बने, एक कुछ आपका एक आइडेंटिटी हो. तो मेरे अंदर था. आफ्टर मैरिज 2004 में मैंने कंप्लीट किया अपना पोस्ट ग्रेजुएशन एंड आई गॉट मैरिड. तो वन थिंग वॉज ऑलवेज देयर कि आई वॉन्ट टू डू समथिंग. तो क्या चीज़ ऐसी हो सकती है जो घर में भी हो जाए और आपको बाहर भी जाने की जरूरत ना हो, हस्बैंड का भी काम हो जाए, घर का भी काम हो जाए और एक आइडेंटिटी हो जाए. तो दैट्स द बेस्ट प्लेस इज आई विल से स्टॉक मार्केट. तो शुरुआत कहाँ से हुई, हम लोगों ने एक डीमैट ओपन किया. ICICI डायरेक्ट का उस टाइम पे चलता था एंड ICICI डायरेक्ट हम लोगों को डायरेक्ट ही करते थे एक तरह से. दे यूज टू गिव द कॉल्स, वीकली आती थी. और हम लोगों का आप जान के एक हैरानी होगी कि वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम द डेरिवेटिव्स ही ओनली. तो डेरिवेटिव से ही शुरू किया. तो जो डेरिवेटिव्स की कॉल आती थी, बट आप ये सोचेंगे कि जो भी उसमें कॉल दी जाती थी, बाय सेल स्टॉप लॉस, वी यूज टू फॉलो दिस. मतलब पूरा उसको मैं फॉलो करती थी जनरसली जैसे करते हैं. और फिर हम लोगों ने इन्वेस्टिंग बाद में शुरू किया. दलाल स्ट्रीट पढ़ा, फिर इन्वेस्टिंग स्टार्ट किया. तो चलता रहा, मतलब अच्छा चल रहा था. नॉट गुड नॉट सो बैड. कभी डेरिवेटिव से मिला, कभी आपको स्टॉक से मिला. तो ये प्रोसेस कभी कभी होता है स्टॉक्स अच्छे चल जाते हैं, कभी होता है कि डेरिवेटिव्स में आपका अच्छा चल जाता है. तो वो चलता रहा. तो पर ये कि कंसिस्टेंट नहीं था, कभी हो गया कभी प्रॉफिट नहीं हुआ. इस तरह से हम करते करते देन वी मूव टू मुंबई. तो मुंबई इज अ प्लेस कि जहां आपका प्रोफेशनल जर्नी शुरू होती है. तो 2010 में हम आगे 6-7 साल अपना इसी तरह से छोटी मोटी ट्रेडिंग अपना कैपिटल से चलता रहा. 2010 वी मूव टू मुंबई एंड वी थॉट ऑफ कि भाई चलो शेर खान की फ्रेंचाइजी लेते हैं. फॉर दैट वी यू नीड टू गिव वेरियस एग्जाम्स. तो वो सब मैंने सब दिए और फिर हमने कुछ वेबिनार्स भी किए, कुछ सेमिनार्स किए, कुछ पेड वो भी किए जहाँ क्लासेस होती हैं, जहाँ पे आपको और प्रोफेशनल आपको सीखने को मिलता है. तो वो सब करने के बाद भी आई वुड से कि 2017 वाज द हमने बहुत अच्छा कैपिटल एक अर्न कर लिया था. तो वी थॉट के चलो भाई इसको ऑप्शंस में डाला जाए. ऑप्शंस के बारे में बहुत सुना है तो ऑप्शंस के लिए बहुत ट्राई किया, नहीं हो पाया. तो हमने क्विट कर दिया 2019 में कि भाई ऑप्शंस हमारे बस की बात नहीं है, उसको छोड़ देते हैं. क्योंकि वो जब भागता है, आप सेल करो पुट या कॉल, जब भागता है अगेंस्ट तो बहुत मुश्किल होता है उसको संभालना. अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज या प्रॉपर आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए उसको संभालने का. तो मेरे इसी जर्नी के बीच में मुझे जो है मिस्टर कुरुबाकरन का एक वेबिनार करने का मौका मिला था. इन दैट ही इंट्रोड्यूस गोल्डन रेशियो. इन 2018 आई हैव डन दैट एंड मैं बोलूंगी कि बहुत अच्छा मुझे वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म मिला एक सिस्टमैटिक ट्रेडिंग के लिए. तो वो मैंने किया. उसको करने के बाद आई हैव इंट्रोड्यूस्ड माय ओन सिस्टम ऑफ निफ्टी. तो वो सब मैं आपको आगे धीरे धीरे करके बताने वाली हूँ. तो लेट्स स्टार्ट कि कैसे कैसे हम और आगे पहुँचे, अभी प्रोफेशनल जर्नी कैसे अपनी स्टार्ट हुई. तो लेट मी इंट्रोड्यूस. इट्स वेरी अमेजिंग निशा जी, मैं आपको बताऊँ क्यों. मैं आज के सेशन के लिए ना ज्यादा एक्साइटेड पता इसलिए था क्योंकि इस फील्ड में जो गर्ल्स पार्टिसिपेंट्स हैं, विमेन पार्टिसिपेंट्स हैं, वो एक्चुअली कम है. और जो हैं भी यार ट्विटर की फोटोज के लिए ही है, पीछे तो लड़के छिपे होते हैं उसमें. तो ये एक अलग ही कहानी चल रही है. तो मैं आपने बहुत अच्छा पॉइंट एड्रेस करा आइडेंटिटी का. जो गर्ल्स विमेन अपनी आइडेंटिटी पे वर्क करना चाह रही हैं या अपनी आइडेंटिटी बिल्ड करना चाह रही है पर उनके पास अनफॉर्चुनेटली टाइम नहीं है, दे कैन समहाउ कम इनटू दिस मार्केट एंड आप बेसिकली एंकरेज कर रहे हो गर्ल्स को, विमेन को आगे बढ़ने के लिए. आपका सेशन मेरे लिए आज के लिए ये रहेगा कि आपसे लोग एंकरेज हो, लोगों में विमेन ज्यादा और वो आगे बढ़े एंड दे गिव इट अ शॉट एंड दे लर्न. की जैसे आपने बोला कि आपने डेरिवेटिव से स्टार्ट किया और 2017 में वापस डेरिवेटिव आए पर फिर भी आपने गिव अप करा. इसका मतलब है कि इट्स नॉट एन इजी थिंग बट यू डोंट हैव टू गिव अप. एंड हम आपकी जर्नी से इंस्पायर होंगे. प्लीज स्क्रीन शेयर, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. ओके ओके. सो नाउ निशा, आई कैन सी योर स्क्रीन. अच्छा यार, मेरे को पहले हैप्पी होम का कॉन्सेप्ट समझाओ, मैं भूल गया पूछना. हैप्पी होम मतलब क्या और कहाँ से आया ये आइडिया हैप्पी होम? ये आइडिया आया कि हमारे घर में हम तीन तो है और एक दो भी हैं, तो घर में जो काफी लोग हो गए तो हमने सोचा कि एक हैप्पी होम वाला नाम रखा जाए जिसमें सारे हैप्पी हैं विद ट्रेडिंग
एंड आर जो होम में एक एटमोसफियर ही पूरा ट्रेडिंग का बना रहता है, तो हमने एक हैप्पी होम एक अपना नाम दिया अपने पूरे होम को इस तरह से. अच्छा नहीं, मैंने ना ऐसी कम फैमिलीज देखी हैं जो सभी ट्रेडिंग कर रहे होते हैं. मेरा एक फ्रेंड है विशाल भाई, उनके साथ भी शायद आपका एक पॉडकास्ट हुआ था, तो उनकी फैमिली को मैंने फर्स्ट देखा था कि वेयर हिज वाइफ ही हिमसेल्फ एंड अदर मेंबर्स इन द फैमिली दे आर डूइंग ट्रेडिंग. तो वो मेरे को बोलते थे यार हमारे डाइनिंग टेबल पे ना यही चर्चा चलती रहती है पूरे टाइम कि ये है. तो आपके यहाँ का क्या माहौल है, आप भी पूरे दिन का ट्रेडिंग ट्रेडिंग करते रहते हो या बच्चे बोलते नहीं बस करो बहुत हो गया थक गए हम? बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे तो बोलते ही हैं, लेकिन ये कि एक आप आफ्टर मार्केट आज जो डिस्कशन करते हैं उसमें एक हेल्दी डिस्कशन होता है. फॉर दैट आपको एक कुछ स्ट्रैटेजी बनानी है या आपको कुछ मॉडिफिकेशंस करने हैं, आपके दिमाग में कुछ आइडिया आया है, तो वो जब हम डिस्कस करते हैं तो इट्स अ वेरी फ्रूटफुल डिस्कशन, तो जिससे हम और आगे बढ़ सकते हैं या क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो ये तो जरूरी है. डिस्कशन इज मच मोर इम्पोर्टेंट आई वुड से. नाइस नाइस, तो मतलब आप लोगों का पैशन है बेसिकली बातें करना. हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बातें वो भी स्टॉक मार्केट के बारे में. नहीं वो देख रहे आपकी बातों से. हाँ जी चलो प्लीज प्लीज स्टार्ट विद योर स्लाइड्स. हाँ, तो हम यहाँ पे बताएंगे वेल्थ क्रिएशन विद द इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग. मतलब वी डू ऑप्शन ट्रेडिंग बट इट्स प्योरली इंट्राडे. डोंट डू कैरी फॉरवर्ड ऑफ ऑप्शंस जो हम लेके जाते हैं घर, वो ऐसा नहीं है. सुबह लिया सौदा, शाम को काट दिया, देन ऑप्शन ट्रेडिंग विल बी. आप लोगों का इफ आई एम नॉट रॉन्ग 10 सीआर के आसपास फंड मैनेज कर रहे हो आप. एग्जैक्टली, एंड ऑल ऑफ दैट इज इंट्राडे ट्रेडिंग. हाँ पूरा. ओह वाओ नाइस, ओके दैट्स अ इंट्राडे. तो आवर फैमिली ट्रेडिंग ऑल आर डूइंग विद द रूल बेस्ड सिस्टमैटिक ट्रेडिंग. सो ऑल आर रूल्स आर सेट. So, हम डिस्कस करेंगे कि रूल बेस्ड ट्रेडिंग. एंड वी आर द टीम ऑफ 3 फैमिली मेंबर्स एंड वी हैव फ्यू सैलरी स्टाफ बिकॉज इट्स नॉट इजी टू मैनेज ऑल द अकाउंट्स बाय 3 मेंबर्स. सो वी हैव हायर्ड सम स्टाफ्स आल्सो. नाउ वी आर मैनेजिंग टिल नाउ 10 सीआर एंड ऑल आर रूल बेस्ड सिस्टम ट्रेडिंग इन आवर हैप्पी होम. अब जो आप बोल रहे थे कि हैप्पी होम क्या है, तो हैप्पी होम जो है पूरी हमारी जो टीम है उसके अंदर हम 18 अकाउंट्स जो हैं हैंडल करते हैं एट प्रेजेंट, और इट्स नियर अबाउट 10 सीआर जो उसके कैपिटल है. तो जो हमारे हेड हैं वो मिस्टर सिंह हैं. ही इज एन रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर. ही डू ऑल फंडिंग, कैसे फंड मैनेज किया जाता है, अकाउंटिंग एंड ऑल ऑफ ऑल द अकाउंट्स. एंड ही ऑल्सो हैंडल्स 2 अकाउंट्स इन लाइव ट्रेडिंग. एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो previously he was not aware of any computer knowledge. मतलब computer का C भी नहीं आता था उनको, तो उन्होंने सब कुछ सीखा और फिर अभी आज के डेट में वो सब 2 अकाउंट पूरा अच्छे से हैंडल करते हैं. तो आफ्टर रिटायरमेंट आई वुड से कि एक ये भी एक है कि रिटायरमेंट के बाद भी आपकी एक लाइफ हो सकती है वो भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड. तो और वो बहुत इंटरेस्ट लेके करते हैं, सुबह मॉर्निंग से लेके शाम तक बहुत अच्छे से करते हैं. एंड आई myself निशा गौतम, तो मेरे पास जो ट्रेडिंग डेस्क है, जो एग्जीक्यूशंस हैं, वो सब मेरा काम है. एंड मिस्टर गौतम इज विद अस, हु हेल्प्स इन डेवलपिंग आवर स्ट्रेटजीज. वाओ, मिस्टर गौतम जो है वो आपके हस्बैंड है एंड मिस्टर सिंह इज योर फादर, राइट? राइट. एंड यार कितना आपने स्ट्रक्चरली इसको डिफाइन करा हुआ है, सबके रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटी कितने क्लियर है ना. वहां से फंड मैनेजमेंट का उनका काम है, लाइव एग्जीक्यूशन हैंडलिंग आपका है, स्ट्रेटजी डेवलप करना और रिस्क मैनेजमेंट का काम गौतम का है. यस यस, सब कुछ स्ट्रक्चर कर रखा है आप लोगों ने, सही है. एंड आज जो हम बताएंगे इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बताएंगे. पोजिशनल हमारा निफ्टी फ्यूचर सिस्टम है जो हम लोगों ने खुद डेवलप किया है, और इंट्राडे बैंक निफ्टी गोल्डन रेशियो जो हमने मिस्टर कुरुबाकरन से सीखा था, और कुछ मोमेंटम बेस्ड स्टॉक इन्वेस्टिंग है ये भी हम करते हैं, जो भी वो भी हमारा प्रोप्राइटरी है. तो टुडे वी विल ओनली डिस्कस अबाउट द इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग. ऑलराइट ऑलराइट, दीज आर द सर्टिफिकेट्स जो मैंने आपको बताया कि मुंबई आके और भी इस तरह से ये तो जर्नी चलती रहती है, और इस तरह से सर्टिफिकेट्स वगैरह या जो आपका अपडेशन होता रहता है थ्रू NSE और NISM के जो सर्टिफिकेट्स वगैरह हम लेते हैं, तो इससे कुछ नया नया जो आते हैं चीजें उनके बारे में जानकारी मिलती है. और आप एक एग्जाम्स देते हैं तो एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ भाई आपने एग्जाम्स दिया है, तो क्या जो नया है उसके साथ आप अपडेट हो चुके हैं जो भी अभी नया कुछ आया है मार्केट में. ये जो ये जो एग्जाम देते हैं इसकी लाइफ स्पैन कैसी रहती है, मतलब लाइफ टाइम के लिए ये एक्टिव? नो नो नो,
Here you can see this I have given on December 2020 and it's till 2023. Again I have to study, again I have to give the तो इस तरह से कुछ 2 years के होते हैं, कुछ 3 years के होते हैं, कुछ 5 years के होते हैं और अलग अलग उसके लिए होते हैं, कुछ डेरिवेटिव्स के लिए होते हैं, कुछ पोर्टफोलियो मैनेज अगर आपको करना है उसके लिए, कुछ टेक्निकल एनालिसिस के लिए, तो बढ़िया बढ़िया बहुत सारे हैं, मैं समझ गया। हाँ एंड हम को 2004 से तो हम कर ही रहे हैं जैसा मैंने आपको बताया, और 2020 तक अभी जो हम जर्नी रही वो ऐसे ही रही, बीच में कभी चल गए, कभी रुक गए, कभी अच्छा हो गया कभी। तो जब हमने गोल्डन रेशियो के बारे में, जैसे मैंने आपको बताया था गोल्डन रेशियो मैंने सीखा, तो मुझे पता चला कि सिस्टमैटिक ट्रेडिंग से आप पैसा कमा सकते हैं, मतलब आपके पास रूल डिफाइंड है कब आपको इन होना है, कब आपको आउट होना है, कब आपको प्रॉफिट बुकिंग करना है, कब आपको एग्जिट होना है। तो उसके बेस पे मैंने अपना निफ्टी फ्यूचर पोजिशनल बनाया, दिट्स यही एक मेरा सिस्टम है जो पोजिशनल है, मतलब उसको हम कैरी फॉरवर्ड में रखते हैं, ये इंट्राडे सिस्टम नहीं है, एंड उससे काफ़ी अच्छा हमने जनरेट किया। उसके बाद नवंबर 2020 में मिस्टर विशाल मेहता जी ने एक स्ट्रैटेजी बताई थी TSS, वो एक ऐसी स्ट्रैटेजी थी जो बैक टेस्ट की, और मुझे वहाँ पे उन्होंने एक स्क्रीन दिखाई थी स्टॉक मार्केट की, तो वहां से मुझे स्टॉक मॉक के बारे में पता चला कि हाँ बैक टेस्टिंग क्या होता है एग्जैक्टली, और स्टॉक मॉक से हम इजिली बैक टेस्ट कर सकते हैं। प्रीवियसली मेरे दिमाग में क्या होता था कि भाई बैक टेस्ट करना है वी यूज टू डू बाय कैंडल और चार्ट्स के देख के करना, मैनुअल करते थे, तो वो उतना अच्छे से नहीं हो पाता था, बट स्टॉक मॉक का देखे अरे भाई ये क्या चीज़ है, तो वहां हमने देखा फिर उसको करा, और तो अभी हमारा 90% जो कैपिटल है वो पूरा टोटल इंट्राडे ऑप्शंस में ही है, 10% इज फॉर निफ्टी फ्यूचर पोजिशनल। विशाल मेहता ने जो DSS दिखाया था ना अपना सिस्टम, हाँ जी हाँ जी, उसके बाद एक्चुअली बहुत लोगों को स्टॉक मार्केट का और पता चला था, क्योंकि वी वर देयर 1 ईयर बैक एज वेल, हां जी हां जी, हम 2019 से थे, नवंबर 2019 से थे बल्कि, एंड विशाल का मैं फिर से बेसिकली थैंक्स बोलना चाहूंगा क्योंकि उनका बहुत कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने स्टॉक मार्केट को प्रमोट भी बहुत करा और वो हमारे बहुत एक्टिव यूजर भी हैं, बहुत सजेशंस देते रहते हैं, सो यस थैंक्स टू हिम। अब मैं बोलूंगी कि स्टॉक मार्केट हमारे लिए एक मिरर के जैसे काम किया, स्टॉक मार्केट से हमारा जो पूरा जो ट्रेडिंग स्टाइल था वो ही पूरा चेंज हो गया, क्योंकि उससे पहले हमें पता ही नहीं था कि हमारी जो हम स्ट्रैटेजी डेवलप कर रहे हैं उसमें कितना रिस्क है, कितना पॉसिबल हम उसमें इनकम कर सकते हैं, ROI क्या हो सकता है, हमारी कैपिटल पे हमें कितना इन मतलब जो हमने एवरेज रिटर्न मिलना चाहिए वो कितना हो सकता है, तो इट्स वॉज वेरी डिफिकल्ट, बल्कि बीच में मैंने सोचा भी था कि कुछ कोडिंग की जाए, कुछ सीखा जाए, बट मुझे लगा कि वो तो और भी एक डिफिकल्ट पार्ट हो जाएगा, पहले इसको सीखो उसके बाद करो, होगा कि नहीं होगा वो भी नहीं पता था। स्टॉक मार्केट तो ऐसा हो गया कि एक नॉर्मल आम इंसान जैसे हम है इजिली उसमें जो आपके दिमाग में आइडिया आया, जो आपने पूरा 9 to 3 आप स्क्रीन पे रहते हैं आप देखते हैं, तो उसके दिमाग में कुछ क्रिएटिविटी आती है कि भाई कुछ ऐसा किया जाए, तो वो करो वो डालो और आपके पास रिजल्ट बिल्कुल सामने होता है। तो स्टॉक मार्केट तो मैं कहूंगी पूरा हमारे लिए एक मिरर की तरह ही काम करता है कि हमारे अंदर क्या क्रिएटिविटी है उसको आप डालो और देखो कि क्या रिजल्ट आता है। तो आई वुड से कि स्टॉक मार्केट इज अ गेम चेंजर फॉर अस। थैंक यू। और मेरे लिए तो मिरेकल ही हो गया था ऑप्शन बैक टेस्टिंग ये सब, क्योंकि आप ऑप्शंस के देखिए चार्ट अवेलेबल नहीं होते हैं, अगर आप चार्ट बाय चार्ट भी करना चाहें तो बहुत मुश्किल है करना, और स्टॉक मार्केट से आप बैक टेस्टिंग इजी हो गया। जो नॉर्मल हम ऑप्शन ट्रेडर हैं और जो ऑप्शन एक्सपर्ट होते थे जो पहले बोलते थे कि भाई हम तो इस तरह से कर लेते हैं, आप कोडिंग नहीं आती है क्या, तो वो सब वो लोग अच्छे से कर लेते थे, हम लोगों से तो होता ही नहीं था। और इसने जो हमें एम्पावर किया वो रूल बेस्ड सिस्टम के लिए किया, क्योंकि रूल बेस्ड सिस्टम आपके जब ही बन सकते हैं जब आपके हर चीज डिफाइंड हो, अगर आपके पास डिफाइन ही नहीं है कोई भी चीज तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, तो आपके पास अगर रूल बन गए हैं तो वो रूल स्टॉक मार्केट की वजह से बने पूरा ऑप्शंस का, और इसी वजह से जो हम डिस्क्रिशनरी से हटके फिर एक आपको एक न्यू सिस्टम जनरेट हो गया। तो आई वुड से कि स्टॉक मार्केट के लिए मैं थैंक यू बोलूंगी आपको कि आपने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया कि हमारे लिए बहुत इजी हो गया काम करना। थैंक यू। एंड फॉर आवर लिसनर्स, अगर उन्हें लग रहा हो कि मैं पेड मार्केटिंग कर रहा हूँ, नहीं, ये मेरे लिए भी सरप्राइज स्लाइड्स थी, मुझे नहीं दिखाया गया था कुछ भी। यार प्लीज कैरी ऑन। अब मैं आपको बताऊंगी कि हम अपना ट्रेडिंग डे कैसे स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मेरे फादर है वो अराउंड 8 AM पूरा लॉग इन करते हैं, हर एक अकाउंट में फंड चेक करते हैं,
कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है कि रात में सेबी पे आउट हो गया है या कुछ आपने स्टॉक्स खरीदे थे वो कुछ हो गया, तो इस तरह से मतलब पूरा सुबह सुबह एक मॉर्निंग चेक लिस्ट हो जाती है कि भाई एक बार आप चेक कर लो कि इसमें कितना अकाउंट है, कल लॉस हुआ तो आज कितना रह गया है, क्या कल फायदा हुआ तो और कितना, तो वो सब सुबह हम चेक कर लेते हैं। हमारा हर एक अकाउंटिंग हो गया, उस पोजिशन साइजिंग शीट में हम वो अपडेट कर देते हैं। तो इफ यू वॉन्ट आई कैन शो यू दैट शीट ऑल्सो, तो उसमें हम अपडेट कर देते हैं वो बाद में देखते हैं, इसके बाद में आराम से देखते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें हमारे पास एक नंबर ऑफ लॉट्स आ जाते हैं, किस अकाउंट में हमें कितने लॉट्स पे ट्रेड करना है, डे वाइज और अकाउंट वाइज, मतलब किस अकाउंट में कितने लिखे। और जो 80% ऑर्डर्स हैं वो हम थ्रू एल्गो ही लेते हैं, और कुछ हम 20% मैनुअली भी लेते हैं, और जब हमें जरूरत होता है तो हम हेज बाय कर लेते हैं, अदरवाइज अपना अगर बिना हेज के ही रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम ट्रेडिंग कंटिन्यू रखते हैं विदाउट हेजिंग। एक बार इसको थोड़ा समझाओगे, जब जरूरत होती है तो हेज ले लेते हैं, इसका क्या मतलब है, मतलब हाउ डू वी डिसाइड कि मेरी जरूरत है हेज की या नहीं है, या मतलब मैं कॉन्फिडेंट में लॉट्स बनाऊं? हाँ अभी आगे डिस्कस करेंगे इसके अच्छा, बारे में। ऑलराइट। तो हम जो अभी डाइवर्सिफिकेशंस अब आप लोगों से ही सीखा है कि स्टॉक मार्केट में एक ये भी आइडिया है कि आप चाहो तो डाइवर्सिफाई करके देख सकते हो, तो हमने डाइवर्सिफाई किया टाइम को कि अगर आप एक ही बार पूरा फंड लगा देंगे तो अगर मार्केट ने वी शेप लिया, जैसे आप मार्केट डायरेक्शनल भी हो सकता है, नॉन डायरेक्शनल हो सकता है, या वी शेप बनता है, कभी आपका डब्ल्यू बन जाएगा वी एम, तो इस तरह की अगर वोल्टेलिटी ज़्यादा होगी तो उसके लिए चाहे नॉर्मल हो, तो उसके लिए हमने बेटर किया कि हमने 3 times एंट्री स्टार्ट करी है। तो फर्स्ट टाइम हम एंट्री करते हैं 9:18 to 9:40, और सेकेंड टाइम इंटरवल एंट्री करते हैं हम 10:25 to 12:45, एंड सेकेंड इज 1:35 to 3 PM। क्योंकि basically आप ये कह रहे हो कि आपने 3 market behavior हैं, वो change हो सकते हैं morning time, afternoon time and end of the day time पे, तो आप 3 time पे diversify करके चलते हैं। All right, make sense। अब हमने जो trading day start किया है तो उसमें diversification हमने time का तो ले लिया, एंट्री टाइम का, अब डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल भी ले लिया। अब हम अगर हमें कुछ और भी अच्छा करना है तो व्हाट वी कैन चूज इज अंडरलाइंग आल्सो, निफ्टी ले या बैंक निफ्टी ले, दोनों भी रख सकते हैं। एज वी ऑल नो कि बैंक निफ्टी इज वेरी वोलेटाइल, तो हमने जो है ये किया है कि 70-80% हम निफ्टी में ले लेंगे और रेस्ट हम बैंक निफ्टी में पोजिशन लेते हैं। एंड थ्रू प्रीमियम ऑल्सो वी हैव चेंज्ड कि भाई ITM लेनी है कि ATM लेनी है, OTM लेनी है, या क्लोज टू प्रीमियम, कितना हमें प्रीमियम सेल करना है, मान लीजिए थर्सडे है तो कितना प्रीमियम हम सेल करें जो हम एक अच्छा रिटर्न कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ों को हमने लेके एक अपने स्ट्रैटेजीज डेवलप की हैं जो हम फुल ट्रेडिंग डे में हम यूज करते हैं, जो डाइवर्सिफिकेशंस यहाँ मैंने आपको बताए हैं। ऑल राइट, तो हम क्या इसकी कोई स्ट्रैटेजी देखेंगे आने वाले टाइम पे, गौतम जी बताएंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गौतम जी जो है वो स्ट्रैटेजी डेवलपिंग में हेल्प करते हैं मेरी। ओके, तो I would say के he will be the best person to disclose the best strategy जो हमारे पास है। और हम focus करेंगे Tuesday और Friday पे, जो सभी लोग बोलते हैं कि भाई Tuesday और Friday are those day कि भाई उनमें trading उतना अच्छे से return नहीं आता, तो हम लोगों ने focus किया Tuesday and Friday, तो we will see। हाँ जी हाँ जी। अरे वाह यार, ये फ्राइडे और ट्यूसडे को लेके ना मैं मेरे हमारे यूट्यूब पे भी कितने कमेंट्स थे लोग बोलते थे कि यार एक्सपायरी डे दिखा देते हैं सारे, वेंसडे दिखा देते हैं, किसी को बोलो ना ट्यूसडे को दिखाओ, किसी को बोलो ना फ्राइडे को दिखाओ, तो अमेजिंग है यार, लेट्स सी, चलो ग्रेट है। तो पोजीशन साइजिंग बहुत जरूरी है रिस्क मैनेज करने के लिए, तो उसके लिए हम एक सिंपल मेथड यूज करते हैं कि वे व्हाट वी डू कि हम 4 lakh का कैपिटल एक्सपायरी डे पे रखते हैं और 5 lakh का कैपिटल्स एक बाकी नॉर्मल डेज पे रखते हैं, मतलब अदर देन एक्सपायरी डेज। तो जो 4 lakh है या 5 lakhs है, इट्स नॉट फॉर ओनली वन स्ट्रेटजी, इट्स फॉर वन बास्केट, मतलब कुछ उसमें वेट एंड ट्रेड भी हो सकती है, बाय भी हो सकता है, सेल भी हो सकता है ऑप्शंस का, तो इट्स अ कंबाइंड ऑफ बास्केट। और जनरली अगर मैं उसको बोलूं कि राउंड ऑफ पर लॉट कितना फंड यूज होता है, तो इट्स नियर अबाउट 1 to 1.25 lakh फंड, तो उतना हम वन एक बास्केट सॉरी एक वन लॉट के लिए हम यूज करते हैं।
और जितना भी हमारा अवेलेबल फंड होता है मॉर्निंग में हम देखते हैं, उसके बाद हमारा जो एक्सेल शीट में एक मॉर्निंग में इनबिल्टी फॉर्मूला, उसमें हमें पता चल जाता है कि हाँ भाई 4 लाख का आज यूज़ करना है, तो हमारे एक बास्केट में हमारे नंबर ऑफ लॉट कितने होंगे। तो अगर मैं कहूँ तो हमारा जो ग्रुप है, एक हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें हम मॉर्निंग लॉट पहले ही शेयर कर देते हैं, तो सबको पता चल जाता है कि हाँ भाई मेरे अकाउंट में आज मुझे कितने लॉट पे वर्क करना है, और सारी इंस्ट्रक्शंस उसी के थ्रू हम लोग देते हैं। क्योंकि मेरा जो स्टाफ है या और भी जो फैमिली मेम्बर्स ट्रेडिंग में हैं, वो लोग ऑनलाइन ही वर्क करते हैं, मतलब दे आर नॉट विद मी, दे आर नॉट लिविंग विद मी, दे आर तो अलग अलग स्टेट में रहते हैं, तो वहीं से वो लोग काम करते हैं। हाँ, तो हमारा जो भी इंस्ट्रक्शंस वगैरह है वो सब उस ग्रुप में ही 8 o'clock को हम लोग फॉरवर्ड कर देते हैं। बट एक बात बताओ मुझे, मैं तो मैं थोड़ा सा इसका बिलीवर हूँ कि हम लोग जो पर लॉट पे ट्रेडिंग करेंगे वो लाख सवा लाख पे क्यों करेंगे, हम तो थोड़ा सा ड्रॉ डाउन ऐड करके थोड़ा सा, ताकि कल को कुछ मार्जिन इश्यूज ना आ जाएं, मतलब 1.25 lakhs का क्या कंसेप्ट है इसमें पर लॉट का? 1.25 हम लेते हैं क्योंकि जब हमारे पास 3 strategies हैं, मतलब डे में हमने 3 बार एंट्री करनी है, All तो right. अभी जैसे अभी आप बीच में बोल भी रहे थे कि भाई कभी हेज लेते हैं कभी नहीं लेते हैं, Right, तो हेज right. लेना और नहीं लेना वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी कि Oh, जैसे all अभी right. आपने मॉर्निंग में लिया, अभी सुबह मॉर्निंग में आपके पास पूरा फंड है, मान लीजिए 20 lakh कैपिटल है और आपने 4 lakh पे एक लॉट उठाया है, मतलब डिफाइन किया है कि 4 lakh पे 1 lot है, तो आपका जो है 2-3-4 lot आ गए, 4×4=16 आ गए आपके पास 4 lot, और 5 lot भी आप ले सकते हैं। तो आपने मान लीजिए 5 lot का कर लिया, 20 lakh में आपका 5 lot आ गए मॉर्निंग में। इफ SL हिट, अगर आपका SL हिट हो गया एक सी या पी में से कोई एक है, तो आपके पास कैपिटल आ जाएगी। अगर वोल्टेलिटी ज्यादा है, पता चले कि पी भी आपकी हिट होगी सी भी हिट होगी दोनों हिट होगी, तो आपके पास पूरा फंड आ गया, देन व्हाई डू यू नीड मार्जिन टू बाय, आपको मार्जिन की जरूरत ही नहीं है फॉर द सेकंड ट्रेड। और फॉर द सेम थिंग हैपन अगर आपके 3 बजे वाले ट्रेड है और आपके दोनों ट्रेड में से अगर मॉर्निंग वाली भी और आफ्टरनून वाली भी हिट हो गई है SL, तो आपके पास फंड है। अगर आपके मतलब जैसे फ्राइडे में कभी कभी होता है बिल्कुल वोलेटिलिटी नहीं है, शांत पड़ा है मार्केट, तो आपके पास सारे हैं, तो देन यू नीड टू बाय हेज। मार्जिन, हाँ, अच्छा। मार्जिन आप बाय करेंगे, और इसको तो लेके उससे आपने एक एक्सेल बना रखी है जो वो बता देता है कि क्या करना चाहिए इतने कैपिटल में। हाँ वो भी है, और और दूसरा मार्जिन का जो एक्सपेंस है वो भी मैं डे टू डे हम लिखते हैं कितना मार्जिन एक्सपेंस आता है, क्या एवरेज मार्जिन एक्सपेंस जो होते हैं हमारे। ऑल राइट, ऑल ठीक है। हाँ अभी यही मैंने आपको बताया कि वी नीड टू बाय, वी डोंट नीड टू बाय मार्जिन बेनिफिट मॉर्निंग में, आपको जरूरत ही नहीं है क्योंकि आपके पास मॉर्निंग में पूरा फंड है। आफ्टरनून में हम देखेंगे आपके पास दोनों लेग बच रहे हैं कि एक लेग बच रहा है, तो फिर 1 point और 1.25 lakh से जो भी आपके आज का फंड है उसके हिसाब से हम ट्रेडिंग कर लेते हैं। और जो अब तक का हमने देखा है वो 100 to 300 rupees पर बास्केट हमारा जो हेजिंग का कॉस्ट आता है, इससे ज्यादा नहीं आता है जो डेली हमने डेली हम लिखते हैं कितना क्या कैसे है। पर आप हेज करते कैसे हो, मतलब आर यू हेजिंग 200-300 पॉइंट अवे या बहुत दूर का हेज लेते हो आप? इट डिपेंड्स, अगर बैंक निफ्टी है तो 1000 points के या 1500 तक की रेंज ले लेते हैं, और निफ्टी में 1000 तक के रेंज हम कंसिडर कर लेते हैं इस ओके, तरह तो से। हेज का बेसिक पर्पस आपका यहाँ पे कैप मार्जिन रिलीज है इंक्रीज, मोटा मोटा। बिल्कुल अच्छा बिल्कुल। ठीक है, समझ गया। अब जो इसके बाद जो स्ट्रेटजीज क्रिएशंस हैं या कैसे इम्प्रूवमेंट करना है, अब आपको मिस्टर गौतम बताएंगे क्या कैसे हैं। अच्छा, अब गौतम गौतम जी से बात करेंगे, बट उससे पहले मैं आपसे थोड़ी सी बात कर लेता हूँ, है ना? चलो, आप अपनी स्क्रीन शेयरिंग तो मैंने बंद कर दी है। और निशा जी, आपके इसमें यार मेरे को बेस्ट पार्ट पता है क्या लगा, कि सबका रोल डिफाइंड है, मतलब बिल्कुल कल को कहीं पे कोई एरर आता है फंड से लेके, तो मुझे पता है मुझे मिस्टर सिंह को पकड़ना है। कल को मार्जिन को लेके एरर आता है कोई कि यार एक लॉट नहीं हुए, 3 lot नहीं हुए, तो किसको पकड़ना है? निशा को पकड़ना है। अगर स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही है तो मुझे पता है कि मुझे गौतम को पकड़ना है, कि गौतम कैसी स्ट्रेटजी निकाल के दे यार, क्या कर रहा है तू? तो आप लोगों को, बट ये जिस तरीके से आप काम कर रहे हो ना, ये एक बिजनेस है बेसिकली, जिसमें आपका सीईओ सीएफओ सीएमओ बने हुए हैं, सारे ऑफिसर्स अपने, और सब अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं।
और जैसा मैंने आपको बताया कि जो हम ट्रेडिंग करते हैं ये 80% तो हम एल्गो से कर रहे हैं, 20% हम कर रहे हैं मैनुअली. अब आप सोचेंगे कि भाई आपके पास तो एल्गो है तो वाई आर डूइंग मैनुअली. तो इसके लिए भी एक वो है कि कभी कभी अगर आपका एल्गो फेल हो गया तो फिर आपके जो स्टाफ हैं या आप हैं वो हैबिचुअली नहीं रहते कि किस तरह से उसको मैनेज करना है. कभी आपकी एपीआई की दिक्कत होगी, कभी सर्वर इश्यू हो गया, कभी कुछ ऐसा फॉल्ट आ जाए जो रेगुलर में नहीं है, तो तब दिक्कत आती है कि भी अब कैसे किया जाए. तो उसके लिए मैंने अपने सब स्टाफ ट्रेन करने के लिए मैंने डेली 2 ट्रेडिंग तो मैनुअल रखनी ही है, वो मैंडेटरी है, एक्सेप्ट ऑन थर्सडे, क्योंकि थर्सडे इज अ वेरी वोलेटाइल डे और बहुत स्ट्रेटेजी होती है. तो उसके लिए मैंने यही किया हुआ है कि बेटर है कि भाई 2 ट्रेड तो आप मैनुअल डालो. बहुत तो मैनुअल डालने से क्या है कि जब कभी रिजेक्ट हो जाता है कोई ऑर्डर तो वो उसको कैसे मैनेज करना है वो भी हैंडल करते हैं, कैसे TSL करना है वो ट्रेडिंग का SL भी हम लोग ग्रुप में डालते हैं तो वो ग्रुप में फॉलो करके वो TSL कैसे करना है, कैसे उसको वो भी हमने शीट बनाई हुई है, ट्रेलिंग कैसे करना है, कैसे आपको कॉस्ट पे लेके जाना है, तो वो सारा उनको हैबिट होनी चाहिए वो करने के लिए. ये तो आपने ये बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया कि आप अपने आप को वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए प्रिपेयर कर रहे हो कि कभी एल्गो फटा तो यार मैं मैनुअल पंच करना भूल तो नहीं गया, इसलिए मैनुअल की आदत डाल के रखो पहले से. डाल के रखो. तो दिस इज आल्सो अ सिस्टमैटिक अप्रोच कि वर्स्ट केस सिनेरियो में मैनेजमेंट कैसे करनी है अपनी. दिस इज आल्सो प्रिपरेशन इन एडवांस. बिल्कुल बिल्कुल. और दूसरा क्या है, कभी कभी हम जानते ही हैं कि अगर जो आपका SL है वो हिट हो जाता है और आपकी पोजीशन नहीं कटी, वो प्राइस नहीं फुल हुआ, तो भी दिक्कत आ जाती है. तो हमारे यहाँ क्या है कि जैसे अगर SL हिट हुआ, आप ये नहीं यकीन मानेंगे कि 9 to 3 मेरा पूरा स्क्रीन पे ही रहता है हमेशा. मतलब एक आप ऑप्शन सेलर भी हैं, सिस्टमैटिक भी हैं और एल्गो भी है, सब कुछ होने के बावजूद भी आई यूज मतलब पूरा मेरा टाइम जब तक मार्केट रहता है तब से लेके तब तक पूरा मेरा स्क्रीन पे रहता है. तो एज सून एज इट हिट द स्टॉप लॉस आई पुट अ मैसेज भी मेरे स्टाफ के भी, हाँ आप मैसेज डालो कि ये आप अपने अकाउंट में चेक करो ये SL हिट हुआ है कि नहीं हुआ. कभी कभी ऐसा होता है आप एल्गो वाले पेज पे देखोगे कि हिट हो गया और आपके अकाउंट में वो लाइव पोजिशन चल रही होती है. ये मेरे साथ 2 बार हो चुका है ऐसा कि लाइव पोजिशन आपके अकाउंट में है ऑन ऑन द एल्गो पेज यू हैव सीन के भाई वो हिट हो गया, पोजीशन कट गई है. तो ये भी एक लोगों के लिए जानना जरूरी है कि आपको बहुत अवेयर रहना है, एल्गो पे छोड़ के पूरा नहीं छोड़ देना है कि भाई एल्गो कर रहा है, शाम को जाके देख लो कि P&L कितना हो गया. तो कभी अगर ऐसी कोई पोजीशन छूट गई तो इट कैन क्रिएट अ बिग लॉस इन योर अकाउंट. तो मतलब अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो उसको प्रोफेशनली उसको टाइम दे के करना चाहिए, पूरा टाइम के साथ करना चाहिए. तो आप जितना टाइम स्क्रीन पे शेयर करेंगे भाई, आप चार्ट्स देखेंगे तो आप क्या स्ट्रेटजी बना सकते हैं वो आपके दिमाग में क्लिक होगा कि क्या कर सकते हैं, हाउ मार्केट बिहेव्स, तो वो भी बहुत जरूरी है. आप जितना टाइम अपने काम को देंगे, तो मेरा तो पूरा 9 to 3:30 रहता ही है यार. देख लो इनके पास स्टाफ है, इनके पास एल्गोस प्लेटफॉर्म है जो चलते हैं, ये फिर भी अपना पूरा 9 to 3 का टाइम चार्ट्स में दे रहे हैं, तो कुछ सोच के दे रहे होंगे ना. एल्गो को निशा, मैं आपको एक बात बताता हूँ, एल्गो को लोग पता नहीं रामबाण या फुल प्रूफ सॉल्यूशन क्यों बोल लेते हैं. वो समझते हैं एल्गो मतलब इसमें गलती हो ही नहीं सकती. कई बार तो लोग हमारे पास आते हैं कि हमने इस एल्गो प्लेटफॉर्म को यूज किया और आपसे रिजल्ट मैच नहीं किया, और मैं पहले तो मुझे बहुत सुनाते हैं कि तुम्हारा गलत है ये, फिर मैं उनके साथ बैठता हूँ और मैं उनको समझाता हूँ कि यार देखो ये एग्जीक्यूशन मिस्टेक्स थी, ये एग्जीक्यूशन थोड़ा सा इस डायरेक्शन में होना चाहिए था, थोड़ा सा फास्ट होना चाहिए था. देन उनको रियलाइज होता है कि उन्हें लगता था कि एल्गो मतलब सब कुछ सही है. तो एल्गो कोई रामबाण नहीं है, एल्गो को भी आपको अनमॉनिटर नहीं छोड़ना है. ये आपके पास लाइव एग्जाम्पल है निशा, वो 9 to 3 क्यों बैठ रहे हैं, उनको और 10 काम कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, लेडी हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, और वो बैठ रहे हैं मॉनिटर कर रहे हैं. इसका मतलब शी इज टेकिंग दिस थिंग एज पर मी एज अ बिजनेस. बिजनेस शुड नेवर बी लेफ्ट अनमॉनिटर्ड, चाहे कुछ भी हो जाए. सो बहुत सही लगा मुझे, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपसे इंस्पायर होके बहुत सारे गर्ल्स लेडीज वुमेन आगे आएंगे, और मैं बहुत हैप्पी रहूंगा उनको पॉडकास्ट करने के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ इस इंडस्ट्री में मोर एंड मोर वुमेन पार्टिसिपेशन हो. और जितना पैशन आपने दिखाया है, ना ही सिर्फ वुमेन बल्कि सब लोग आपसे लर्न करें कि यार मार्जिन से रिलेटेड एक्सेल बन रखी है, डेली एनालिसिस से रिलेटेड एक्सेल बन रखी है. सो दिस इज जस्ट अ कमिटमेंट टू योर वर्क विच यू आर डूइंग, हैट्स ऑफ टू यू.
थैंक यू. एंड नाउ आई वुड रिक्वेस्ट गौतम जी कि वो भी हमें आए पिक्चर में और एक बार स्ट्रेटेजी के बारे में बात करें. आई नो हमारी ऑडियंस स्ट्रेटेजी के लिए बहुत वेट कर रही है कि स्ट्रेटेजी भी दिखा दो यार, बहुत गप्पे मार ली तुमने. तो गौतम जी अगर हैं तो प्लीज स्क्रीन पे आए. गौतम जी अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए अगर आप हैं तो. सो वेलकम गौतम जी आप. यस नितेश जी, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच आने के लिए. देखो हमें कई लोगों ने इन्वाइट किया था कि हैप्पी होम को बुलाओ एंड फॉर्चुनेटली वी कनेक्टेड. और अभी आपकी वाइफ ने क्या बढ़िया प्रेजेंटेशन दी है. बट अभी वैसे हमारे लिसनर्स के लिए हमें गुप्त सूत्रों से पता लगा है कि इनका इतना बढ़िया चेहरा है, इस वजह से ये प्रेफर नहीं कर रहे कि नजर लग जाए कि हम अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे किसी को भी. बट ऑन अ सीरियस नोट, इनकी प्रोफेशनल कमिटमेंट्स हैं जिस वजह से ये चाह रहे हैं कि अभी थोड़ा सा अंडर द हुड रहें क्योंकि फुल टाइम जॉब करते हैं जैसे मैंने पहले बताया. तो गौतम जी बिल्कुल एकदम अटैकिंग मोड पे बैठे हुए हैं जैसे आप लोग देख रहे होंगे. इन्होंने स्क्रीन भी शेयर कर दी आते ही कि अब मैं स्ट्रैटेजी सबको दे दूंगा, ले लो स्ट्रैटेजी. बिल्कुल बिल्कुल. बट इससे पहले गौतम जी आपका स्वागत है, आप कुछ कहना चाहते हैं तो पहले कह दीजिए, फिर हम स्लाइड्स पे चलते हैं. थैंक यू वेरी मच नितेश जी. मुझे खैर अपना मुझे लगता है शायद लास्ट संडे को मैंने एक मैसेज डाला था ऐसी कुछ क्वेरी के लिए, तो उसके बाद आपने नंबर मांगा तो मैंने नंबर दिया. फिर आपने बोला, मैंने शायद अपनी क्वेरी जाननी चाहिए थी, फिर आपने बोला अरे वो छोड़ो ये बताओ कि ये मैं तो इतना दिन से ढूंढ रहा था हैप्पी होम काफी लोगों ने बताया पर मुझे मिल नहीं रहा था. मेरे लिए एक वो बहुत बड़ा सरप्राइज भी था और एक टोकन ऑफ एक्नोलिजमेंट भी था कि हाँ चलिए हम कुछ ऐसा काम कर रहे हैं कि भाई जो नीतीश नारंग है जो स्टॉक मूव के जिन्होंने पूरा उसको बनाया है जिससे मुझे लगता है मिलियंस ऑफ पीपल जो हैं उन्होंने बेनिफिट उठाया है और उनकी लाइफ का जो फाइनेंशियल पार्ट है या जो स्ट्रगलिंग पार्ट था वो उन्हें काफ़ी हद तक स्मूथ और सॉफ्ट किया है. और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है अपने आप में और सबसे बड़ी अचीवमेंट इसलिए क्योंकि शुरुआत आपने की, अभी बाद में आपके चार आगे और प्लेटफॉर्म आ जाए वो अलग चीज़ है, बट शुरुआत आपने की और आपने एक ऐसा चीज दी रिटेल ट्रेडर्स को, एक ऐसा उनको टूल दे दिया कि आज के टाइम पे मैं मानता हूँ कि यदि कायदे से और वो चीजों को अच्छे से एग्जीक्यूट कर रहे हैं और थोड़ा सा जो साइकोलॉजी और डिसिप्लिन या कंसिस्टेंसी उसको थोड़ा मेंटेन करके रखे हैं, चाहे वो कितनी बड़ी कैपिटल या कितनी छोटी कैपिटल के साथ ट्रेड करे, वो खुद भी इस बात को मानते हैं कि वो कंपाउंडिंग नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि जो आपका किस ट्रेड पे कितना रिस्क है और कितना वो है उसके लिए आप कहीं ना कहीं वो कंफर्ट नहीं आ पाता आपको जो एक रूल बेस्ड सिस्टम वो फॉलो करने के लिए आ पाता है. और मुझे लगता है सबसे बड़ी एज है और ऑप्शन सेलिंग जो आजकल काफी लोग कर रहे हैं उसका बेस्ट पार्ट ये है कि उसमें आपका जो एमडीडी है जो आपका रिस्क है वो काफी हद तक बाकी जो रिलेटिवली और ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम है या आपके ट्रेंड रिवर्सल सिस्टम है उनके मुकाबले काफी कम जो डीडी आपका रिस्क है काफी कम है. और यदि रिस्क आपका कम है तो फिर जो बचता है वो आपको प्रॉफिट ही बचता है, जो आपको कंफर्ट बचता है. तो आपने बहुत अच्छा ये प्लेटफॉर्म बनाया है और मेरा तो एक्चुअली क्योंकि निशा इस बिजनेस में है और उसने काफ़ी अच्छा अपने बिजनेस को ग्रो किया है, काफ़ी अच्छे से चीज़ों को संभाला है. अब एक कहावत है कि हर कामयाब इंसान के पीछे एक महिला का हाथ होता है, तो ये मैंने चीज़ें सीखा. फिर मैंने जितना मेरे से हो सकता था कंट्रीब्यूशन मैंने उसके बिजनेस को ग्रो करने के लिए अपना कंट्रीब्यूट किया. आपकी जो स्टॉक मोक है उसको मुझे काफ़ी हेल्प मिली. स्टॉक मोक के एक्चुअली आज के टाइम पे यदि मैं उसको कंपेयर करूँ तो जो अभी लिखा है निशा ने कि स्टॉक मोक गेव अस ए मिरर, वो बिल्कुल सही लिखा. मिरर क्या है? वो एक्चुअली आपकी कमी बताता है. पहले आप जब मिरर के सामने जाते हैं तो पहले ये देखते हैं कि आपके चेहरे पे कहीं कोई दाग धब्बा कहीं कुछ उस स्पॉट तो नहीं है या आपकी ड्रेस व्रेस कैसी लग रही है. स्टॉक मोक क्या है कि आपकी स्ट्रेटेजी को बताता है कि आपकी स्ट्रेटेजी में कहाँ पे डार्क है, कहाँ पे उस पर लूप है, कहाँ पे उसको आपको देखना है कि यहाँ इसमें इस समय इसको कुछ जरूरत है कि इस पे वर्कआउट होना चाहिए. तो ये सबसे स्ट्रेटेजी क्रिएशन का और स्ट्रेटेजी इम्प्रूवमेंट का जो स्लाइड खुली है ना सामने, ये एक्चुअली बहुत इम्पोर्टेंट है. और जैसा आपने मिरर की बात करी ना, हमें चाहे स्टॉक मॉक तो चलो वी आर फॉर्चुनेट कि स्टॉक मॉक एक ऐसा जरिया बन गया लोगों के लिए जिसने उसको मिरर दिखाया, बट किसी भी स्ट्रेटेजी का एक्चुअली आगे पीछे ऊपर नीचे सबको पता होना चाहिए. और मोस्टली बंदे आज भी स्ट्रेटेजी शॉर्टकट के लिए जाते हैं. तो जो आपने जोन पकड़ा हुआ है ना अपने बिजनेस में, जोन जो पकड़ा हुआ आपने कि स्ट्रेटेजी बनाना और इम्प्रूवमेंट, ये बहुत बढ़िया जोन है.
क्योंकि मोस्टली बंदे ना स्ट्रैटेजी के पीछे भाग रहे हैं, स्ट्रैटेजी मुझे इससे मिल जाए, मुझे उससे मिल जाए, वो एनालिसिस नहीं कर रहे। जैसे निशा ने एनालिसिस दिखाई कि मैं प्री और पोस्ट एनालिसिस करती हूँ, वैसे ही आज की डेट में स्ट्रैटेजी शॉर्टकट से ढूंढने के लिए बहुत बंदे हैं। शॉर्टकट से मत ढूंढो। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ गौतम जी, आप जब बताओगे स्ट्रैटेजी के बारे में तो आप स्ट्रैटेजी के लॉजिक्स भी बताओगे कि यार मैं क्यों सोच रहा हूँ ऐसा। जैसे निशा ने बताया कि वो मॉर्निंग टाइम, आफ्टरनून टाइम, एंड ऑफ द डे टाइम कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे लिसनर्स स्ट्रैटेजी के पीछे जाएं, बट उसके लॉजिक्स के पीछे ज्यादा जाएं। हाउ टू क्रिएट, जैसे वो बोलते हैं ना कि फिश पकड़ा दो खा लेगा एक दिन के लिए, बट टीच देम द फिश एंड दे विल लिव दिस लाइफ इंडिपेंडेंटली फॉर एवर। बस मैं वो वाला जोन जो आपने पकड़ा हुआ है ना, वो बहुत क्रिटिकल जोन है। अब मुझे थोड़ा बहुत स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जितना वैल्यू मैं ऐड कर सकता हूं व्यूअर्स की, जो हमारे ऑडियंस हैं, और मैं भी उन्हीं का एक पार्ट समझता हूं अपने आप को। एक्चुअली वी ऑल आर लर्नर्स एट डिफरेंट लेवल। आप मेरे से बेहतर लर्नर हैं, मैं किसी दूसरे से बेहतर लर्नर, पर एक पॉजिटिविटी और एक क्रिएटिविटी, या कहना चाहिए कि गिव बैक टू सोसाइटी, वो एक हमारे अंदर होना चाहिए। और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, बाकी देखते हैं व्यूअर्स को कैसा लगता है। बिल्कुल। हाँ नीतीश जी, देखिए क्या है कि सब लोग जानते हैं कि होली ग्रेल या मैजिकल टूल क्या है ना, और सिंपल सा कहना ये है कि इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है चीज़ों को, जो चीज़ें हैं वो आपके अंदर हैं, और बेहतर है हम अपने अंदर देखें कि हम अंदर क्या कुछ गैप कर रहे हैं, और उस अंदर के गैप को रिव्यू करके उसको इम्प्रूव करके फिर आगे बढ़ें। वेरी ट्रू। चीज़ें इसी तरह से हम आगे इम्प्रूव करते हैं। अभी मैं ज्यादा टाइम आपका ना लेते हुए आगे चीजों को रखता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे। और बुद्धा का जो है कि हमने लगाया है जो उनका कोट्स है, द पर्सन हु मास्टर हिमसेल्फ थ्रू सेल्फ कंट्रोल एंड डिसिप्लिन इज ट्रूली अनडिफीटेबल। ऑलराइट। यदि मार्केट में हमें कामयाब होना है तो हमें अनडिफीटेबल बनना। अनडिफीटेबल मतलब प्रॉफिटेबल, सिंपल सी बात है। मार्केट के आप यदि उसमें देखेंगे तो आपको प्रॉफिटेबल बनना है। अभी हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जो बोलते हैं हाउ वी असेस ए बैक टेस्ट रिपोर्ट फॉर ए स्ट्रेटेजी। हर बंदे का, हर जो स्ट्रेटेजी क्रिएट करने वाले हैं, स्ट्रेटेजी की रिसर्च करते हैं, स्ट्रेटेजी में अपना काफ़ी टाइम लगाते हैं, वो ये देखते हैं कि कोई बोलता है कि नहीं मुझे इतना परसेंट का ROI चाहिए, एक बोलता है कि नहीं मुझे इससे ज़्यादा DD बिल्कुल नहीं चलेगा। अपने अपने पैरामीटर्स हैं, अपने अपने लॉजिक हैं, अपने अपने लोगों के परसेप्शन। बट मेरे नज़रिए में उनका ऑर्डर किस तरह के होना चाहिए, आपको कौन सी एक अच्छा सेटअप आप जिसको बोलेंगे कि हाँ ये अच्छी स्ट्रेटेजी है, इस पे हम जो अपना पैसा है, अपनी कैपिटल है, वो लगा सकते हैं। एक्सपेक्टेंसी मैं मानता हूँ कि ये सबसे टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए एक अच्छे स्ट्रेटेजी को एसेज करने के लिए, इवेल्युएट करने के लिए। और मेरे हिसाब से कुछ लोग 0.5 बोलते हैं, बट मैं मानता हूँ कि 0.6 की जो एक्सपेक्टेंसी है, और ये जितने भी पैरामीटर मैं बोल रहा हूँ उसमें मैंने ये मान के चला हूँ कि जो आपका इनबिल्ट स्लिपेज है आधा परसेंट का, 0.50% का, उसके बाद ये पैरामीटर की मैं बात कर रहा हूँ, तो 0.60 की एक्सपेक्टेंसी जो है मेरे हिसाब से क्वालिफाई करती है आपको आगे बढ़ने के लिए। यदि कोई स्ट्रेटेजी में 0.6 से एक्सपेक्टेंसी कम है तो मेरी सिंपल सी एडवाइस है, या मैं जो करता हूँ मैं उसको आगे देखता ही नहीं। ऑलराइट। तो मैंने कुछ लॉजिक गलत पकड़ा है, लॉजिक गलत पकड़ फिर मैं एक बार लॉजिक को देखता हूँ, या फिर मैं उसको स्क्रैप में डाल देता हूँ, फिर दूसरा कोई आइडिया लेके आता है। ठीक है। तो मैक्स डीडी है, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैक्स डीडी मेरा सिंगल डिजिट में रहना चाहिए। मैक्स डीडी और ROI जो है ये इस एक तरह के कहना चाहिए कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यदि आप कैपिटल बढ़ाएंगे, मान लीजिए अभी निशा ने बताया था कि हम 1 से 1.25 लाख का आपका जो है एक लोट में एवरेज आता है, फायदे से वो देखा जाए तो 1 से 2 लाख तक जाता है। यदि ऊपर मॉर्निंग की ट्रेड आपकी जो है स्टॉप लॉस हिट हो गई है, उनकी 1 लाख चली गई दोनों की, मान लीजिए ट्रेंड आ गया है, तो आपकी 2 ही बचती हैं, तो फिर से आपके पास वो जो कैपिटल बचता है वो 1.5 से 2 लाख हो जाता है। मान लीजिए यदि हम 1 लाख से भी मान रहे हैं, यदि 1 लाख कैपिटल को आप देखेंगे तो 1 लाख पे जो आपको ROI होगा और जो 2 लाख पे ROI होगा वो सिंपल सी बात है 2 लाख वाले का ROI उसका हाफ होगा। और MDD जो है उसका सिंपल सी बात है, जिसका ROI कम होगा उसका MDD बढ़ेगा, जिसका ROI ज्यादा होगा उसका MDD कम हो जाएगा। जो RR है मेरे हिसाब से 1.5 टाइम्स जो है, मैं मानता हूँ कि हमें RR जो है रिस्क रिवार्ड जो है 1.5 टाइम्स होना चाहिए। नेक्स्ट है विन परसेंटेज। मेरी जो मोस्ट ऑफ द स्ट्रेटेजीज हैं सब में 65% से ज्यादा है, बट फिर भी एक स्टैंडर्ड भी हम लेके चलते हैं। कभी कभी क्या है कि बहुत सारी स्ट्रेटेजी को आप इसलिए नहीं छोड़ सकते
सकते कि उसका विन परसेंटेज बहुत ज्यादा नहीं है, और जरूरी नहीं है कि विन परसेंटेज यदि 80% है या 85% है तभी वो अच्छी है। यदि 60% विन परसेंटेज और बाकी पैरामीटर में वो बहुत अच्छा कर रही है तो मेरे हिसाब से वो भी एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। लास्ट वन इज ROI। कुछ लोग ऐसा तो जितना मिल जाए उतना कम है, 200%। सिंपल सिंपल इसे मैंने लिखा भी है, वी लव इट टू हैव एज मच एज पॉसिबल, बट मेरे हिसाब से ROI भी एक्चुअली क्या होना चाहिए, कम से कम 0.4%। बहुत से लोग क्या है कि बोलते हैं कि नहीं 20 रुपए की हम सी 20 रुपए की पी सेल कर देंगे, 10 रुपए की सी 10 रुपए की पी सेल कर देंगे। हर आदमी का अपना अपना नजरिया है, पर मेरा मानना है कि यदि आप मार्केट में आए हैं, आप एक बिजनेस के हिसाब से आए, तो आपको प्राइम ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको पैसा कमाना है, आपको एक अच्छा रिटर्न चाहिए। तो ROI कोई ऐसी चीज नहीं कि जिससे हम उसको नहीं, हमने तो ज्यादा ROI ज्यादा रिस्क लेके आएगी, ये कोई वो नहीं है कि कहीं किसी बुक में लिख दिया है कि ज्यादा ROI रहेगा तो आपको रिस्क भी ज्यादा रहेगा। ROI यदि अच्छा है तो जरूरी और रीजनेबल रिस्क के साथ है तो मेरे हिसाब से वो एक बेहतर और ज्यादा अच्छा सिस्टम है। ज्यादा ROI आपको ज्यादा जल्दी रिकवर कराएगा मुकाबले जब आप बुरे टाइम से बाहर निकलेंगे। आप यदि कम ROI लेके बैठेंगे और कल को फंसेंगे तो आपको निकलने में भी ज्यादा टाइम लगेगा। करेक्ट। और यदि आप मान लीजिए कोई भी 3-4 स्ट्रेटेजी बना देते हैं, इन 5 जो पैरामीटर मैंने बनाए हैं और जो उनके रेंज दी है उसको लेके, तो आप जो भी बास्केट बनाएंगे 3-4 स्ट्रेटेजी को लेके, मुझे लगता है कि वो एक ड्रीम ट्रेडिंग सिस्टम होगा एक ट्रेडर के लिए, और उससे ज्यादा जरूरत। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी देखिए दो अप्रोच हैं। अच्छा, टू अप्रोच टू क्रिएट अ गुड इंट्राडे स्ट्रेटजी। ओके, मान लीजिए मैं स्टॉक मुख पे बैठता हूँ, मेरे पास कुछ आइडिया है, तो दो अप्रोच हो सकती हैं एक स्ट्रेटजी को शुरुआत करने के लिए, उसको इनपुट देने के लिए। ओके, मैं OTM दूं, फार OTM दूं, ATM दूं, ITM दूं, ओके, जो मुझे प्रीमियम सेल करने हैं। तो एक तो ये माइंडसेट है कि हम सबसे पहले माइंड में रख लें कि हमें लो DD चाहिए। ओके, लेटेस्ट से मान लो 5% से नीचे चाहिए, मुझे 5% से ऊपर नहीं जमेगा। ओके, उसके बाद में एक अपना सिस्टम फ्रेम करता हूँ एक अल्ट्रा लो DD के साथ में। दूसरा सिस्टम है, दूसरी अप्रोच है कि मैं मुझे चाहिए कि नहीं, मुझे तो थोड़ा सा ROI अच्छी चाहिए, DD बाद में देखेंगे, पहले ROI चाहिए। लेटेस्ट से मान लीजिए 10% मुझे मंथली ROI चाहिए। मैं एक सिस्टम फ्रेम करता हूँ, मैं OTM की जगह मान लीजिए मैंने ITM सेल करता हूँ, जाहिर सी बात है मुझे प्रीमियम अच्छे मिलेंगे और यदि वो मेरे फेवर में चलती हैं तो ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट होगा। 10% मुझे मंथली मैंने प्रॉफिट के लिए लेके चलता हूँ, मैंने अच्छा उसका सिस्टम बना दिया। अभी है क्या लास्ट में, जो मेरा अपना अंडरस्टैंडिंग है कि इट इज़ ईजियर टू रेड्यूस DD ऑफ ए गुड ROI सिस्टम देन टू इंक्रीज ए लो DD सिस्टम ROI। आप एक जो आपने एक सिस्टम बना लिया, पहले वाले ने बना लिया जिसका DD कम है, बहुत ही कम DD है, ROI भी कम है, तो यदि उसको में वो इम्प्रूवमेंट डालेगा, कितने भी इनपुट को वो ऊपर नीचे करेगा, तो उसका ROI एक लिमिट से ज्यादा नहीं बढ़ सकता। ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है यदि आपने एक अच्छा ROI का सिस्टम बना दिया, मान लो 10% का बना दिया, 15 का बना दिया, आप उसका DD शुरू में आपने देखा कि DD ज्यादा आ गया है, तो आप DD मल्टीपल टाइम्स आपके पास कई सारी अप्रोचेज हैं जिससे आप उसका DD कम कर सकते हैं, और DD जब एक बार वो सिंगल डिजिट में आया तो मुझे लगता है वो अच्छा है। ठीक, तो ये मेरी जो अप्रोच है, जो हम जो है वो सेकेंड टाइप वाले स्ट्रेटेजी फाइंडर है, हमें ROI थोड़ा अच्छा चाहिए, DD है उसको, DD को देख लेंगे बाद में, कोई दिक्कत नहीं है, पर DD भी हमें, आप देखना मेरी जितनी भी मोस्टली जो स्ट्रेटेजी हमने बनाई, हमने जो क्रिएट की हैं, जो निशा को हमने उनके उसमें शेयर किया है, मोस्टली 5% के आसपास ही DD घूमता है, और ये 5% भी वही 1 से 1.25 लाख वाली कैपिटल के साथ में बोल रहा हूँ। यदि कोई उसको 2 लाख की कैपिटल पे करेगा तो वो और भी कम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम लेते हैं, एक मिथ है, मैंने इवन काफी सारे बड़े बड़े जो एक्सपर्ट हैं मैं कई बार देखा, बोलते हैं कि फ्राइडे को तो नो ट्रेड डे है। सर ये स्लाइड आपने दिखाई ना, सबसे मजे की स्लाइड क्योंकि अभी तक ना हमारे, इवन आप देखोगे जिन जिन गेस्ट ने हमारे साथ अच्छी अच्छी स्ट्रेटेजी शेयर करी है,
लोग बोलते थे कि यार फ्राइडे और ट्यूजडे कुछ नहीं चलता, तो यस यस मैं बड़ा क्यूरियस हूँ जानने के लिए कि आप फ्राइडे ट्यूजडे ऐसा क्या करें, और क्या एक रिक्वेस्ट है, क्या आप फ्राइडे या ट्यूजडे में से कोई एक डे पकड़ के कोई एक स्ट्रेटेजी उस दिन की दिखा सकते हो हमारे ऑडियंस के लिए? बिल्कुल बिल्कुल अरे बिल्कुल दिखाएंगे। ऑल राइट, तो सिंपल सी बात है, ये मैंने एक जो हमारी जो मैंने स्ट्रेटेजी डेवलप की है उसकी जो स्टैटिक्स है वो शेयर करी है। देखिए ट्यूसडे की देखिए आप, फ्राइडे की देखिए, एक्सपेक्टेंसी एक से ज्यादा है ओके, और मैक्स डीडी भी आपका 5% से कम है। ऑल राइट, आरआर देखेंगे 1:2 के ऊपर है और विन परसेंटेज 70% से ज्यादा है। RR ratio for our users is average profit on win days and average loss on loss days का ratio, ठीक है, risk reward ratio, ठीक है, correct correct। यदि मान लीजिए हम lose day पे 1 रुपया खोते हैं तो जिस दिन हम win करते हैं उस दिन हम 2 रुपए 20 पैसे कमाते हैं। ROI 94% हुआ ना, मतलब ये पर ईयर का? Yes, ठीक है ठीक है। ROI actually ये जो ROI है ये पर डे का है। अच्छा 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 ओके 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 ओके। जो ROI है ये पर डे का, यदि मान लीजिए आपने जो भी कैपिटल हमने अज्यूम की 1 लाख या 1.25 लाख, समझ गया, 0.94% जो आपको एवरेज दिखाएगा। ऑलराइट 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 ऑलराइट। अब बताइए आपको ट्यूसडे की स्ट्रेटजी देखनी है या फ्राइडे, कोई भी जो जो आपको अच्छी लगे ना, दोनों में से कोई भी अच्छी लगे, पर इन्हीं दोनों दिन की दिखाना, कोई एक्सपायरी डे की बहुत है हमारे पास। हां बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैं देखिए आपको एक और मैं जस्ट आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा अपने लिसनर से कि यार वो इसको ब्लाइंडली ना ले, वो इससे बस एक आइडिया ले लें कि यार गौतम क्या कर रहा है कि भाई इन्होंने 2% 2.5% के अंदर ही अपना ड्रॉडाउन निकाल लिया और अच्छी स्ट्रेटजी चला रहे हैं। यस गौतम जी, हाँ देखिए ये मेरा ट्यूजडे का बास्केट है। ये कौन सा ट्यूजडे का? ट्यूजडे का बास्केट है, हैप्पी होम टू के नाम से, सही है? यस यस यस, इसमें मैं आपको एक सिंपल सी स्ट्रेटजी दिखाता हूँ, बहुत ही उम्मीद है कि आपको अच्छी लगेगी। अच्छा अभी इसको हम रन करते हैं। इसको नाम बताओ पहले, T3BN का क्या मतलब होता है? ये मतलब थर्ड लेवल की, जो जैसे अभी शुरू से मॉर्निंग से लेके और एंड ऑफ डे तक देखा तो जो साक्षात देव है स्टॉक मॉक के वही सामने है। हाँ जी सर। अच्छा यार ये स्ट्रेटजी के इनपुट्स दिखाओगे या हमें रिवर्स इंजीनियर खुद करना पड़ेगा? नहीं नहीं इनपुट में दिखाता हूँ। अच्छा बाद में दिखाओगे, ठीक है ठीक ठीक, पहले 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 हम इस पे बात कर लेते हैं। जी जी आप देखिए। अच्छा आप देखिए और आप बताइए कि हाँ किस तरह से। ये ट्यूसडे स्ट्रेटजी है सिर्फ, है ना? ये ट्यूसडे स्ट्रेटजी है। कैलकुलेट मार्जिन पे क्लिक करना, एक बार देखूं जरा क्या हिसाब किताब है जीवन में। बाय द वे जिन लोगों को पता नहीं हम कैलकुलेट मार्जिन देते हैं उन लोगों के लिए ये रहा मार्जिन, ठीक है? बहुत सही, ये लोग मेरे ख्याल से हेज वेज कर लेते हैं तो शायद इसलिए परसेंटेज आरओआई कम, एमडीडी कम हो जाता है इनका। तो 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 तो, तो नाइस, मतलब 0.5% के आसपास का आपका डे प्रॉफिट है, नॉट बैड। आरआर रेशो कितना अच्छा है एक्चुअली, 1.5 के आसपास। आप बताओ अपनी एनालिसिस। देखिए बहुत सिंपल सी स्ट्रेटजी है और सबसे बड़ी बात ये है कि आफ्टरनून की स्ट्रेटजी है। अच्छा आफ्टरनून की स्ट्रेटजी, ओके। इसके इसके पीछे लॉजिक क्या मैं बताता हूँ आपको। एक लॉजिक था 80 PM का, आफ्टर 1 PM का। पहले एक्चुअली वो 3-4 साल पहले एक थ्योरी आई थी AOPM, मिस्टर हालान मनोज, जिनको ट्विटर पर मुझे एक बार बल्कि मेहता जी ने ही रेफर किया था। उनको उन्होंने एक लॉजिक ये दिया था कि जनरली आफ्टरनून के बाद जितने भी मार्केट में मूवमेंट्स आते हैं वो जो बड़े प्लेयर हैं मार्केट के, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, वो लंच के बाद उनको कोई स्टैंड लेना है कि हाँ हमें कुछ अच्छा बाइंग करनी है या अच्छा सेलिंग करनी है, तो मोस्टली या तो वो सुबह करते हैं या फिर वो लंच के बाद करते हैं। और आपने देखा होगा कि मार्केट की जो बड़ी मूवमेंट्स हैं वो 1-1.5 बजे के बाद मार्केट शेप लेता है। पूरे दिन यदि किसी दिन वो रेंज में है उसके बाद वो 1-1.5 बजे आपको ब्रेकआउट देगा, चाहे वो ऊपर ब्रेकआउट दे नीचे ब्रेकआउट दे। यदि मान लीजिए चलिए वो कहीं भी ब्रेकआउट नहीं दिया तो तीसरी चॉइस क्या उसके पास मार्केट की पॉसिबिलिटी के, वो एक रेंज में रहेगा। सिंपल है। और ये क्या ट्यूसडे की है, मंडे का, मंडे के लिए एक लॉजिक क्या है, मंडे को लॉजिक ये बोलता है कि मंडे इज द
मोस्ट जो सबसे ज्यादा ट्रेडिंग ट्रेंडिंग डेज हैं वो मंडे है। इसमें काफी सारे लोगों ने पूरा बैक टेस्ट भी किया है, काफी रिसर्च भी किया है, अवेलेबल है वो ऑनलाइन पे। मंडे सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग डे है, तो मंडे को पूरा ट्रेंड किया मान लीजिए मार्केट ने, तो जो ट्यूजडे का आप देखेंगे, ट्यूजडे का आफ्टरनून तक बहुत ज्यादा रेंज नहीं दिखा था, बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं दिखा था, और ट्यूजडे की आफ्टरनून के बाद एक अच्छी रेंज दिखाता है। इस स्ट्रेटेजी से हमने क्या, आफ्टरनून जो 1:30 बजे के बाद की जो मूवमेंट है केवल हमने वही पकड़ी है, 1:30 बजे से लेके आप 3:30 बजे तक देखिए केवल 2 घंटे हैं। ऑलराइट, ये स्ट्रेटेजी केवल 2 घंटे के लिए ही मार्केट में है। सबसे बड़ा बेनिफिट तो एक ये है कि 2 घंटे के लिए आपका जो रिस्क है आपका वी का, डब्ल्यू का, एन का, वो काफी हद तक आप उससे दूर हो जाते हैं। यदि आप सुबह एंट्री करेंगे तो आपके पास वो सारे जो टिपिकल डेज हैं उनकी पॉसिबिलिटी है, पर यदि आपने एंट्री ही 1:30 बजे की है तो आपको दो या तो सिंपल सी एक रेंज में रहेगा या फिर एक तरफ को ट्रेंड दिखा देगा। ऑलराइट, एक बार इनपुट्स दिखाना है इसके। इनपुट्स मैं आपको दिखाता हूं इसके, ये ट्यूसडे पोस्ट मतलब आफ्टरनून के बाद वाला ही है। तो आपने क्या करा, ATM प्लस 100 का पुट, ITM बेसिकली। हाँ, अभी मैंने आपको बोला था ना कि हम जो आइडिया है हमारा आता है कि हमें आरओए अच्छा चाहिए, ईडी को हम मैनेज कर लेंगे। तो हमने क्या किया, या तो मैं ओटीएम सेल करता, पर मैंने ओटीएम नहीं, मैंने आईटीएम सेल किया। करेक्ट, ओके। हमने आइडिया ये लिया, हम आइटम सेल करेंगे, प्रीमियम हमारे पास अच्छे रहेंगे ट्यूसडे। ठीक है, हमने एसएल को बहुत लिमिटेड रखा। ठीक है, एक रीएंट्री का फीचर यूज किया आपका, जो रीएंट्री का फीचर बहुत ही ब्यूटीफुल फीचर है। उसमें फायदा यह है कि यदि चीजें आपके फेवर में चल रही हैं तो आपको जरूरत नहीं है, और यदि आपके अगेंस्ट चलती हैं तो आपके लिए एक रेमेडी तुरंत अवेलेबल है। आप ऐसा नहीं, मतलब आपके हाथ से गेम आउट नहीं हो जाता। ट्रू, आपके पास एक सपोर्टिंग कहना चाहिए ना कि टीम के पास एक एक्स्ट्रा बैट्समैन है, रीएंट्री आपको वही देती है, वो एक एक्स्ट्रा बैट्समैन बचा रहता है हमेशा। एक सिंपल सा एक सिंगल री एंट्री डाला, 13:35 पे ट्रेड इन होगी और 3:25 पे ट्रेड आउट हो जाएगी। ये वही है ना जो निशा बता रही थी एक बार कि हम एक थर्ड भी लेते हैं आफ्टरनून के बाद, लास्ट डे वाला 3:35 का ही टाइम दिया था उन्होंने। ऑलराइट, ऑलराइट, अरे ये बड़ा सही है यार। मैं अपने लिसनर्स के लिए बता देता हूँ, री एंट्री 1 करा है इन्होंने, इट मेक सेंस। वो दो बार करते तो शायद मैं इनको टोकता कि दो बार मत करो, क्योंकि ऑलरेडी ये लास्ट के कितने घंटे में, 2 घंटे की गेम खेल रहे हैं टोटल ये। और और मैं अपने ऑडियंस के लिए यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी लूंगा बोलने के लिए कि यार अगर आप हमारे फीचर्स को फीचर्स की तरह ना देखे, मार्केट बिहेवियर्स की तरह देखो, तो आप लोग और बेटर स्ट्रेटजी बना पाओगे। रीएंट्री का सीधा मतलब होता है कि आप मीन रिवर्टेड पोजीशंस खेलना चाहते हो, आपकी मार्केट से लेग उड़ गई है और मार्केट अगर रिवर्स मार गई है, मीन रिवर्ट कर रही है, रिवर्जन मार रही है, तो आपको फिर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए एंट्री करने की, दैट इज कॉल्ड अ रीएंट्री। तो जो मेरी नजर में खेल रहे हैं आईटीएम में, एक लेग आईटीएम में, ज्यादा नहीं। आईटीएम मतलब होता है इन द मनी, एटीएम -100 कॉल और +100 पुट में, और बहुत छोटा इन्होंने एसएल ले लिया है 18% का। वैसे 18% छोटा नहीं होगा क्योंकि आईटीएम में बड़ा हो जाता है। और री एंट्री के लिए इन्होंने पकड़ लिया कि अगर मान लो मीन रिवर्ट होता है तब भी इनको अपॉर्चुनिटी मिल जाए एंटर करने के लिए, और 2 घंटे की गेम खेल रहे हैं बस ये। यप, नाइस नाइस अप्रोच, बहुत ही मतलब सिंपल है, और कोई उसमें बहुत बड़ा वो नहीं है। लॉजिक सिंपल यही है, यदि मार्केट एक ट्रेंड में दिखाएगा तो भी आपको अच्छा कमा, क्योंकि आप आइटम सेल करके बैठे हैं, बिल्कुल आपको अच्छा है जाने के लिए, और यदि नहीं जाएगा तो वहां जाएगा। होता क्या है कि 3 बजे के बाद आप किसी भी दिन देखें, स्पेशली ट्यूजडे, वेंसडे, थर्सडे, आपके जो थीटा डीके है वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालता है। राइट, यदि वीक्स बढ़ रही है या कुछ अलग चीजें हो रही है वो तो अलग बात है, वो कभी कभी होता है कि पूरा ही दोनों तरफ की। अदरवाइज अभी ओटीएम सेल करेंगे तो उस पर जो थीटा काम करेगा, लोगों का मानना यह है कि थीटा उस पर कम काम करेगा, बट आप ज्यादा काम करेगा, सॉरी ओटीएम पे थीटा वो ज्यादा फार हो जाते हैं, ज्यादा जल्दी डीके होगा, आईटीएम पे कम डीके होगा। बट आप ये देखिए, आपकी जो क्वांटम है, आप उधर 50 रुपए का सेल करेंगे और एक तरफ 200 रुपए का सेल करेंगे, अब मान लीजिए एक पे 2% हुआ और एक पे 1% ही डीके हुआ, तो उसका 200 रुपए वाले का 1% भी ज्यादा होगा 50 रुपए के 2% से, और ये सिंपल सा लॉजिक है। और मेरा एक मैं और ऐड करूंगा, देखिए होता क्या है कि मेरी अपनी थ्योरी, मेरी अपनी कंसेप्ट है, मेरी अपनी लर्निंग है, हर किसी की अपनी अपनी इंडिविजुअल है, बट यदि डाटा वैलिडेट करता है उसको, तो वो चीज है कि हाँ, जिसको एक्नोलेज हमें करना चाहिए, और समझ में आता है कि हाँ। मैं समझ गया, मैं एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ यहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल, बताइए।
अगर पॉसिबल हो तो आप फ्राइडे भी दिखा सकते हो, सिर्फ इनपुट पैरामीटर्स, हम आउटपुट रिजल्ट अपने आप रन कर लेंगे। नहीं, मैं आपको फ्राइडे को भी एक स्टडी दे देता हूँ। अरे वाह, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आपने बोला है तो मैं फ्राइडे को भी आपको एक सेटअप देता हूँ, जो आप मेरे व्यूअर्स हैं उनको भी अच्छा लगेगा। बेसिक आइडिया लो लिसनर्स कि ट्यूसडे को उन्होंने क्या सोचा, सेकंड हाफ में उन्होंने बोला कि मार्केट ज्यादा ट्रेंड नहीं पकड़ेगा, आपका रेंज में रहेगा, बट पकड़ता भी है तो उसके लिए री एंट्री उन्होंने लगा दिया। मंडे का उन्होंने बताया, विच इज वेरी ट्रू, कि यार सैटरडे संडे ना इतनी सारी न्यूज एक्यूमुलेट हो जाती है कि मार्केट को एक ट्रेंड पकड़ना ही पड़ता है इवेंचुअली, तो आप देखोगे कि ट्रेंडिंग रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स मंडे की मार्केट। जी फ्राइडे का आप कर रहे हो, आप इनपुट पहले दिखाओ यार, मैं आउटपुट में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, इनपुट दिखाओ और समझाओ कि क्या क्या फंडा है इसका। अरे बाप रे, ट्रेलिंग, वाह नाइस, थैंक गॉड फ्राइडे को ट्रेलिंग किसने क्रैक किया, कि यार ट्रेलिंग से ही फ्राइडे को पैसा बन सकता है। यस एंड निफ्टी, ओके देखिए अभी अभी तक हम आईटीएम पे जा रहे थे, अभी हम ओटीएम 2 पे आ गए। राइट, ओटीएम 2 इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि निफ्टी कर रहे हैं ये, और निफ्टी में 50+ पॉइंट्स का होता है, तो 2 लेग्स अवे हो गई। यस अब आप इसका लॉजिक ये देखिए, मैं ओटीएम 2 इसलिए ले रहा हूं क्योंकि फ्राइडे को ऑलरेडी प्रीमियम बहुत ज्यादा है। हां वेरी ट्रू, और एंट्री हमने 11:45 पे, एक्चुअली 3-4 हमने उस समय पॉसिबिलिटी जो भी टाइम की थी वो टेस्ट किया, 11:45 हमें सिस्टम ने अच्छा दिया, हमने 11:45 को ले लिया। 11:45 पे हमें किसी ये नहीं बताया, सिस्टम बताता है हमारे लिए, सिस्टम इज गोल्ड। बहुत सही 11:45 मेरे को सिस्टम ने बोला कि हाँ अच्छा टाइम है। दूसरी बात, मेरा रिस्क बहुत कम है क्योंकि मैं ओटीएम 2 सेल कर रहा हूँ और 30% के एसएल पे, साथ में ट्रेल भी है, यदि मार्केट थोड़ा सा भी, और 11:45 पे ट्रेंड जनरली नहीं आता, 11:45 से 1 बजे तक थोड़ा कूल ऑफ रहता है, सुबह उसने ट्रेंड लिया तो भी कूल ऑफ रहेगा, और यदि मान लो उसने सुबह ट्रेंड में लिया तो भी वो एक रेंज में ही जनरली ज्यादा रहता है। वेरी ट्रू, और यदि रेंज दिखाएगा भी तो 30% फ्राइडे के हिसाब से एक रेस्पेक्टेबल एसएल है, ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी उड़ जाएगा आपका। बिल्कुल, ओटीएम 2 में है, उसको एटीएम बनने में भी टाइम लगेगा। राइट, बहुत सही। 10 पॉइंट आपका वो होगा, 7 पॉइंट आपका रिस्क कम हो जाएगा। राइट, 10-7 का मतलब ये होता है कि एवरी 10 पॉइंट्स मूवमेंट इन योर प्रॉफिट, जो भी लेग है, हम 7 पॉइंट से फर्दर आगे बढ़ा देते हैं उसको, स्टॉप लॉस को। या वेरी कूल, या वेरी गुड, लॉजिकली वेरी करेक्ट। अभी इसका रिजल्ट देखें, देख लो सर, नहीं तो लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। नाइस, नाइस, देख लो भाई, फ्राइडे की भी दिखा दी, ट्यूसडे की भी दिखा दी, गौतम भाई ने विद लॉजिक, मेरे को ब्लाइंड नहीं चाहिए कुछ भी, विद लॉजिक चाहिए था। वहां पे आईटीएम यूज करा, यहाँ पे 2 लेवल ओटीएम यूज करा, वहां पे री एंट्री यूज करा क्योंकि 2 घंटे का टाइम था, यहाँ पे उन्होंने टीएसएल यूज करा, उनको पता है कि यार प्रॉफिट आ गया, बुक कर लो फ्राइडे को, मोटे लॉस जाएंगे नहीं तो। 0.97 की एक्सपेक्टेंसी सिंगल स्ट्रेटेजी में, वेरी ट्रू, सिंगल स्ट्रेटेजी में फ्राइडे को आपको 0.97 की एक्सपेक्टेंसी मिल रही है। आप सही आरआर देखिए, 2200 रुपए का लो से आपको 3700 रुपए का प्रॉफिट है उसके अगेंस्ट फ्राइडे को, बहुत सही है। 74 टाइम्स आपको विन परसेंटेज मिल रहा है, 74, बहुत सही, वेरी गुड। एक्चुअली ये जो मैक्सिमम ड्रॉडाउन 49 डेज है ना, अपने लिसनर्स के लिए, ऑडियंस के लिए बता देता हूं, ये कैलेंडर डेज होता है, उन्होंने फ्राइडे सिलेक्ट करा है तो उसका मतलब ये 7 डेज चला है बस इनका, मोटा मोटा, क्योंकि कैलेंडर डेज हम काउंट करते हैं कब से आया और कब तक आया। बट दैट्स वेरी कूल, इट्स वेरी कूल कि आपने ये भी दिखा दिया। अभी मैं एक काम करूं आपके लिए, हाँ सर बिल्कुल, जो दोनों हमने स्ट्रेटेजी बनाई है जी, हम उनकी बास्केट बना देते हैं। यदि मान लीजिए कोई बंदा ट्यूसडे को वो वाली बैंक निफ्टी लगाता है और फ्राइडे को ये लगाता है, मतलब जो अपना वो कर रहा है वो करे, ठीक है, जो अपना वो कर रहा है वो करे। यदि हमने आज उसको दो स्ट्रेटेजी दी है, दो आइडियाज दी है, यदि वो दो आइडियाज ही केवल प्ले करता है बिल्कुल, तो उसको किस तरह से जो पैरामीटर से आएंगे, ठीक है, मैंने आज तक किया नहीं था भी ये। ओके अरे कर लेते हैं कोई बात, लिसनर्स प्लीज ब्लाइंडली मत करना, अगेन मैं कह रहा हूँ, वो आई एम वेरी थैंकफुल टू गौतम एंड निशा की उन्होंने अपनी रियल स्ट्रेटेजीज को, जो वो ट्रेड करते हैं, उनको हमारे सामने इतना ओपनली बताया, और फ्राइडे और ट्यूसडे जिसका ऑलरेडी इतना बड़ा हवा बना रखा है सबने, हवा देखो है, मार्केट वॉलेटाइल है, मैं अग्री कर रहा हूँ, बट दे हैव फाउंड समथिंग गुड, आई वॉन्ट यू टू ऑल्सो फाइंड समथिंग गुड, बट टेक एन आइडिया फ्रॉम हिम, ब्लाइंडली नहीं कॉपी करना, हमें कॉपी पेस्ट ना बंदा बनना है कि उसने कुछ करा हम आंखें बंद करके कॉपी कर लेते, कॉपी पेस्ट ज्यादा लंबा टिकता नहीं है, ना ही प्लेटफॉर्म्स को कॉपी करने में, ना ही स्ट्रेटजीज को कॉपी करने में। सो फॉर यू गाइज, टेक एन इंस्पिरेशन एंड वर्क ऑन इट, इसका नाम रख दो
बैंक निफ्टी ट्यूसडे, हाँ। और अगर अब पैरामीटर एक बार इनपुट चेक कर लीजिए, माइनस इंडेड कॉल प्लस इंडेड पुट, बढ़िया एकदम जबरदस्त है, कोई टेंशन नहीं जिंदगी में, बैंक निफ्टी वीकली बिल्कुल सही है, मेरी तरफ से सही है, परफेक्ट, सेव करो आप, 335, ठीक है, 135 सॉरी, ठीक है, अब पहले उसको फिल्टर कर दो, सिलेक्ट ऑल डेज, सर मैं बता दूं, मैं शॉर्टकट बता दूं, सिलेक्ट ऑल डेज का आ रहा है लेफ्ट में, उसको अनचेक करो, लेफ्ट में, इसके लेफ्ट में, हाँ ये वाला, अब जो सिलेक्ट करना है डे उसको सिलेक्ट करो बस, नहीं उसको उसी पे जाके करो, T3 पे, T3 पे ट्यूसडे कर दो, ये तो हमने करेक्ट, हाँ ये फ्राइडे, फ्राइडे, हाँ जी, अब इसको रन कर दो बस, लास्ट वाला, और जिस जिसको सेव सेटिंग का बटन नहीं पता, ऊपर सेव सेटिंग का बटन है, वो क्या करता है, जो डेज सिलेक्ट कर रखे हैं उसको भी सेव करके अपने पास रख लेता है, ताकि फ्यूचर में आप आओ बार बार ना क्लिक करना पड़े, मंडे कौन सा, ट्यूसडे कौन सा, थर्सडे कौन सा, चलिए मुझे लगता है रन हो गया है, हाँ जी हो गया, लेट्स सी, विन परसेंट, देखो आपकी कंडीशन के हिसाब से तो बहुत ही सही चल रहा है, 70% विन डेज है, 0.75 से ऊपर एक्सपेक्टेंसी है, वाओ नाइस, अब देखिए अभी जो 23,000 MDD था केवल सिंगल फ्राइडे में, अभी वो 16,000 पे आ गया, करेक्ट 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 करेक्ट, नॉट बैड, लोज नॉट बैड, दिस इज नाइस, दिस इज 1.5 का RR चल रहा है, दिस इज वेरी नाइस, हां कैरी ऑन कैरी ऑन, या मेरा सिंपल सा एक ये टेक अवे है, आइडियाज जो है ना आपको कहीं भी, और आपने बहुत अच्छी बात बोली कि जरूरी नहीं कि आप कॉपी करिए, अभी कुछ दिन पहले पंचामिया साहब थे शायद आपके पॉडकास्ट पे, चेतन पंचामिया सर, हाँ जी हाँ चेतन पंचामिया, उन्होंने एक स्टडी शेयर की थी, बड़ा बहुत ही ब्यूटीफुल स्टडी उन्होंने शेयर करी, मैंने उससे आइडिया उठाया एंड यू विल नॉट बिलीव, उससे ज्यादा अच्छी स्ट्रेटेजी मुझे मिल गई, आइडिया वही था, मैंने बहुत ज्यादा चेंज नहीं किया, हल्का सा उसका टाइम का ट्विस्ट किया, हल्का सा उसमें जो रिस्क था उसको ऊपर नीचे किया, तो बात यह है कि अब क्या है कि आइडिया उनका है, मैंने उसको अपने हिसाब से जो मेरा कंफर्ट लेवल है, जो मेरा रिस्क एपेटाइट है, मैंने उसको यहाँ पे R&D किया, जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन थे, जो लॉजिक थे, उनको ऐड किया, एक नया मॉडल दे, अब जो मिल गया अब वो उसको मैं ज्यादा कन्विक्शन से लगा सकता हूँ, करेक्ट, वेरी ट्रू, आई एग्री, मैं वेरी थैंकफुल टू पंजामिया सर, हाँ अच्छा, बहुत अच्छा चीज शेयर करी, और मैंने अभी उसको, बल्कि कुछ दिन पहले मैंने जो मैं सेम टाइम पे मैं दूसरा लॉजिक यूज करके ट्रेड कर रहा था, मैंने उसको रिप्लेस किया, थैंक यू गौतम जी, आपने अपनी दोनों स्ट्रेटजी दिखाई, ट्यूसडे एंड फ्राइडे वाली, एंड एक्सपेक्टेंसी भी अच्छी थी, ज्वाइन करके भी हमने देख लिया, आइडिया बहुत अच्छा था एक्चुअली, ट्यूसडे को ITM करने का, री एंट्री डालने का, और OTM करने का, फ्राइडे को विद ट्रेलिंग SL, ट्रेलिंग SL की तो पावर एक्चुअली इतनी बढ़िया है ना, मेरे को बहुत सारे बंदे बोलते हैं मेरा प्रॉफिट आया चला गया, मैं ट्रेलिंग लगा ले यार, देख तो सही, कहते नहीं उससे फिर वो वाले दिन खत्म हो जाते हैं मेरे, जब वापस से सब कुछ तो नहीं मिलेगा, सब कुछ नहीं मिलेगा, आप किस में कंफर्टेबल हो आप ढूंढो, ट्रेलिंग को ट्राई जरूर करो, यस प्लीज गौतम जी, ये कॉन्टेक्ट डिटेल है, मुझे लगता है निशा शायद इसको बता सकती हैं, अच्छा ये तो आपका हैप्पी होम का देखो वो है अकाउंट है @gautam, पता है क्या वो मेरे को जब पहली बार किसी ने हैप्पी होम के बारे में बताया ना गौतम भाई, मैं हैप्पी होम ही सर्च करता रहा, हैप्पी होम मुझे मिला ही नहीं कहीं, तो मैं भूल गया यार गौतम, मैं पूछ ही लूं किसी से, विशाल भाई से पूछ लूं, चेतन से पूछ लूं, किसी से पूछ लूं, तो हाँ ठीक है यार, अगर किसी को कनेक्ट करना है प्लीज ब्लाइंड कनेक्ट मत करना कि यार मुझे बता दो, मुझे स्ट्रैटेजी शेयर कर दो, उन्होंने दो स्ट्रैटेजी इतनी प्यारी शेयर कर दी है, तो गौतम को अगर कनेक्ट करना है, उनको फॉलो करना है, उनके आइडियाज के लिए कि वो किस तरह से सोचते हैं, आपको टैग करना, उन्हें टैग करके पूछो कि यार कैसे आइडियाज यहाँ पे चलते हैं, हम ये आइडिया सोच रहे हैं क्या ये चलेगा नहीं चलेगा टाइप्स, उनका टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल मैं उनको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उन्हें कनेक्ट कर सकते हो, greencircle.contact@gmail इनका ईमेल आईडी आपने देख लिया, सो इट्स रियली लवली, गौतम भाई मैंने ना यही चीज अभी निशा को बोली कि बेस्ट पार्ट मुझे ये लगा कि सबके ना काम डिवाइडेड है, आपका काम मेहनत वाला है कि यार सोचना करना और उसके बाद उसे संभालने का काम निशा का है, और इसकी अकाउंटेंसी, इसका जो पूरा लिखा जोखा है क्या चल रहा है एनालिसिस का, वो काम मिस्टर सिंह का है, so I love this part of this and I would like to thank you to come on the podcast, क्योंकि मेरे लिए मुझे ऐसा लगता है personally कि यार हर बंदा किसी ना किसी से कुछ ना कुछ सीख सकता है, थोड़ा सा patience होना चाहिए बस उसमें, बिल्कुल बिल्कुल, and निशा से मैंने बोला कि women empowerment सीखनी चाहिए किसी को, अपने आप को
किसी चीज को डेडिकेटेडली झोंकना कैसे है, 24 घंटे चार्ट्स देखने कैसे हैं, पैशनेट है वो। वैसे ही गौतम पैशनेट है फिगर आउट करने के लिए कि यार फ्राइडेज को मार्केट ऐसी चलती है तो मैं ऐसी स्ट्रेटजी बनाऊं, ट्यूजडेज ऐसी चलती है मैं ऐसी स्ट्रेटजी बनाऊं। सो दैट आई एम वेरी वेरी हैप्पी। सो थैंक यू टू बोथ ऑफ यू टू कम ऑन द पॉडकास्ट। एनी लास्ट वर्ड्स यू बोथ वांट टू से? क्योंकि बीच में स्टॉक मॉक की भी बहुत तारीफ हुई तो सबको लग रहा होगा पेड प्रमोशन चल रहा है, ऐसा नहीं था। बट एनी लास्ट वर्ड्स यू गाइस वांट टू से? देखिए, जिनको ऐसा लग रहा है ना कि मतलब पेड प्रमोशन है, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि मैं वेट करता हूँ कि आप कभी कभी 15 अगस्त को 26 जनवरी को डिस्काउंट वाला वो निकालते हैं ना कुछ फेस्टिवल डिस्काउंट वो करके, राइट है ना, मैं वेट करता हूँ। अरे कब वो चले, कब मैं एकदम थोड़ा सा बड़ा रिचार्ज करूँ स्टॉक मॉक का। No, great. Thank you so much. हम भी वही सेम सिंपल चीजें हैं, ऐसा नहीं है। और जो चीजें मैंने बोली हैं बिल्कुल वो दिल से और बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली बिल्कुल ऑनेस्टली बोली हैं, उसमें कहीं कुछ इस तरह का वो नहीं। बट फिर भी मेरी रिक्वेस्ट ये है, किसी भी आइडिया या किसी भी चीज को वो करने से पहले जो अभी नीतीश जी ने बोला है कि आप आइडिया शेयरिंग के लिए आओ, हमारे कोई दिक्कत नहीं, बट ये नहीं है कि हाँ आप क्या कर रहे हैं मुझे वही चाहिए। वो मुझे लगता है गलत अप्रोच है, वह ऐसी अप्रोच है उसको बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक आप नहीं सक्सेसफुली कर सकते। वेरी ट्रू निशा जी, आपके लास्ट वर्ड, बट उससे पहले आपको माइक अनम्यूट करना पड़ेगा। तो अभी आप सब लोगों ने देखी मिस्टर गौतम जी की स्ट्रेटेजी, जो हमें हम लोग साथ में वर्क करते हैं, जो भी आइडियाज आते हैं उनको हम मिलके बनाते हैं और फिर उस पर गौतम जी रिसर्च करते हैं और फिर हम उसको ट्रेडिंग डेस्क पे लेके ट्रेडिंग ट्रायल अकाउंट भी हमने आपको दिखाया, ट्राई करते हैं उसको, फिर अगर वो अच्छा रन करता तो वी कैन गो अहेड फॉर द क्लाइंट्स एंड और HNI क्लाइंट्स ऑल्सो। तो इस तरह से ही हम लोगों को पहले सोचना है, समझना है, फिर उसको बैक टेस्ट करके जब आपको लग रहा है कि भाई आपके कन्विक्शन में है तो वो सब करके आपको लेना है। ये सब चीजें व्यूअर्स थोड़ा सा देखें कि भाई किस तरह से आपको पहले उसकी बैक टेस्टिंग के साथ साथ फॉरवर्ड टेस्टिंग भी करनी है कि भाई वो आपके कन्विक्शन को सूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये सब देखें और करें और होपफुली आप सब लोगों को ये पॉडकास्ट पसंद आए और हम लोगों की जो मेहनत है वो सफल हो के हाँ भाई हम लोगों ने कुछ अच्छा ऐसा दिया है मार्केट को जो एनहेंस करे नॉलेज सबकी। तो इट्स अ वेरी ग्रेट प्लेजर के भाई आप लोगों के साथ हमारा नीतीश जी ने इंट्रोडक्शन कराया है, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच। ऐसा लग रहा था कि होस्ट निशा है और मैं गेस्ट बन के आया हूँ। थोड़ा सा चेंज करें क्या ड्रेस? हाँ ये कर लेते हैं, चलो मैं अकाउंट संभालता हूँ 10 करोड़ के। नहीं थोड़ा सा चेंज कर देते लास्ट में। नहीं नहीं मजाक में, इट वाज वेरी गुड एक्चुअली, आई विल कीप इट। दिस वाज वेरी गुड कि आप एक तो होस्ट वाली ड्रेस भी पहन के बैठे हो, मैं तो ये कंघी पकड़ के बैठा हूँ यहाँ पे, एंड इट वाज रियली नाइस। थैंक यू सो मच निशा, थैंक यू सो मच गौतम, मुझे बहुत मजा आया, इट वाज रियली नाइस हैविंग यू ऑन द पॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच। तो लिसनर्स देख लो भाई, हैप्पी होम को जिसने इनवाइट करने के लिए बोला था मैंने कर लिया। हैप्पी होम के साथ हमें फ्री में एक निशा भी मिल गई, निशा ने मिस्टर सिंह का पर्सपेक्टिव दे दिया, आपने फैमिली का देख लिया, वुमेन एम्पावरमेंट का देख लिया, सब कुछ देख लिया। हमारी मेहनत को अगर आपने थोड़ा सा भी पसंद करा या आपको लगता है कि यार हम थोड़ा सा एफर्ट्स आप लोगों के लिए करते हैं, तो यार सब्सक्राइब कर दो यार हमारे यूट्यूब चैनल को और शेयर करो ये वीडियो, ये नॉलेज सबके लिए, सो दैट हम एज अ ट्रेडर थोड़े से अपनी जर्नी में ग्रो करें। सो थैंक यू सो मच यहाँ तक सुनने के लिए। होप यू हैव अ ग्रेट